नेवर गिव अप कभी भी गिव अप नहीं करना किसी को भी आपको बताने नहीं दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है मेडिकल रिपोर्ट्स बदलते देखा है टूटे रिश्ते बनाते देखा है इनफैक्ट संस्कृत में एक श्लोका भी हमकुम करो थी वाचलम यानी एक गूंगा भी बात करना शुरू कर सकता है तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया और उसने कैसे काम किया ब्रेन के अंदर एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है जब आप कोई चीज़ को फोकस देते हो तो आपसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी निकल रही है वो ऑटोमेटिकली ना निकल कर एक फॉर्म लेकर आपकी लाइफ में वापस आती है तो आप उसको फॉर्म दे रहे हैं तो अगर आप कभी भी स्टक हैं आपको थॉट्स नहीं आ रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपके अंदर क्या चल रहा है बहुत कंफ्यूजन है तो अगर किसी की कुछ बुरी आदतें बन चुकी है तो वो बुरी आदतों को थोड़ा कैसे जाए सबसे पहले तो अपने आप के साथ बहुत आपने ऐसा कभी देखा है कि कुछ लोग थे जो फगीव नहीं कर रहे थे जिसके जैसे उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी या मे बी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में वो अटके हुए थे ऐसा भी कुछ हुआ है और की बहुत गहरी लिंक है और हो पनोपनो पनो एक ऐसी सिंपल टेक्निक और फिलॉसफी है जो इनकरेज करती है कि जो भी इंपॉर्टेंट एनर्जीज है ना यूनिवर्स में जैसे कि फर्गिवनेस हो गया ग्रेटिट्यूड हो गया रिपेंटेंस यानी एक्चुअल पछतावा किसी को मैनिफेस्टेशन करना है किसी भी चीज़ को तो उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है जैसे फास्ट रिजल्ट मिल सके तो उसमें आप क्या बोलोगे हे hey, दोस्तों वेलकम बैक टू जीशांस पॉडकास्ट आज की जो हमारी गेस्ट है वो काफ़ी खास है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है कोच है बेस्ट सेलिंग ऑथर है और एक स्पेशलाइजेशन रखती है मेटाफिजिक्स में इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड इनर चाइल्ड थेरेपी इन सारी फील्ड से रिलेटेड इनकी जो नॉलेज है वो बहुत ही टॉप नॉच है जो आपको सीखने मिलेगी इस पॉडकास्ट में इन्होंने खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके कैसे अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया वो इस पॉडकास्ट में आपको सीखने मिलेगा वर्ड्स आपके जो वर्ड्स हैं आप क्या बोलते हो वो कितना इंपैक्ट करते हैं उन्हें आपको कैसे यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ चेंज करने के लिए ये भी आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा अगर आपने अंदर कुछ इमोशन बहुत टाइम से दबा के रखे हैं तो कैसे वो चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बीमारियाँ क्रिएट कर सकती है और कैसे हमारे जो सप्रेस्ड इमोशन होते हैं उन्हें हमें निकालना चाहिए और उससे कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ये भी आपको सीखने मिलेगा होपन ओपन ओपो ये जो टेक्निक है आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कैसे फगीवनेस बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जो कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने नहीं देता है और ऐसी कई सारी धमाकेदार इंटरेस्टिंग बातें आपको इस पॉडकास्ट में सीखने मिलने वाली है इसलिए एंड तक जरूर देखना बिकॉज पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए तो पेशेंस रख के देखना सुनना इंटरेस्ट भी ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने का पावर रखता है सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी मुझे इंटरेस्ट मुझे भी खुद भी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे लिए खुद भी काफ़ी टाइम काम किया है तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कैसे आया और उसने कैसे काम किया उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे आपकी स्टोरी जी बिल्कुल इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तब हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते थे मुझे और मुझे टॉन्सिलाइटिस की इशू थी तो हेल्थ हमेशा एक कंसर्न रहता था और माँ बाप हमेशा कहते थे कि ना तुम्हें संभाल के रहना है तुम ऐसे नहीं खेल सकती तुम इतना समय नहीं जाग सकती और कभी भी आइसक्रीम खाने की बात होती तो कहते नहीं नहीं औरों की तरह तुम नहीं खा सकती हो क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा तुम्हें बुखार हो जाएगा तो हमेशा से बचपन में एक डर रहता था कि मैं औरों की तरह नहीं हो सकती हूँ मुझे संभाल के रहना पड़ेगा एक ऐसा समय आया था जब मुझे पैंतालीस दिनों तक पैंतालीस इंजेक्शन लगे और जब वो डॉक्टर भी आते थे मुझे देखकर यू नो उन्हें बुरा लगता और एक बार मुझे याद है मैंने एक कॉन्वर्सेशन सुनी उन्होंने उन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि यू you नो know, मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको आप कुछ कीजिए नहीं तो कोई स्पेशलिस्ट को दिखाइए क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इस बच्चे को इतने इंजेक्शन देने की वो दर्द की वजह से लगता दर्द से दर्द से और क्या था उस समय रेकमेंड किया गया था कि इनके टॉन्सल्स को निकालिए नहीं और आप इनको संभालना पड़ेगा बेसिकली इस कंडीशन को और उस समय स्टमक इन्फेक्शन भी हो गई थी तो क्या था मल्टीपल इशूज़ थे और हेल्थ इतना कंसर्न हो चुका था कि मुझे ऐसा लगता था कि यू you नो know, शायद यही मेरी लाइफ है और यू you नो know, जिस तरह से बच्चे खुलते हैं बाहर जाते हैं खेलते हैं इन्जॉय करते हैं मुझे ऐसा नहीं फील होता था मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझे संभालना पड़ेगा और इसीलिए जब मैं स्कूल भी जाती थी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ बोलूँगी यू you नो know, तो शायद लोग नहीं समझेंगे क्योंकि मुझे हमेशा एक वरी रहती थी मेरे हेल्थ को लेकर तो जब लोग स्नैक्स बॉक्सेस भी निकालते थे मुझे लगता मुझे नहीं खाना है इसमें मुझे शायद तकलीफ़ हो जाएगी तो हमेशा अपने आप को अलग पाया और वेट भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगा तो ऐसा दौर आया जब अपने आप से मैं कंफर्टेबल नहीं थी ना अच्छे से बोल पाती ना मुझे अपने बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंस था वज़न बढ़ता गया और 15-16 साल की उम्र जब मैं पहुंची तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे यू you नो know, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सप्रेस्ड सी पड़ी हुई लाइफ में और अच्छा नहीं लगा एक ऐसा मोमेंट आया उस समय उस रात को जब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जैसे कहते हैं ना आपकी कॉन्वर्सेशन होती है भगवान से ईश्वर से यूनिवर्स से तो मैं बैठकर बहुत रोई और मैंने ये कॉन्वर्सेशन की ईश्वर से डिवाइन से कि अगर कोई बेटर तरीका है जीने का तो प्लीज़ मुझे आज बताओ मैं नहीं ऐसे नहीं चल सकती मैं और यू you नो know, उस समय सब नेगेटिव चीज़ें याद आती हैं उन्होंने ऐसा किया उसने ऐसा किया उसने मुझे ऐसा बोला उन्होंने मुझे ऐसा इंसल्ट किया तो आई थिंक पंद्रह सोलह साल में मेरे इतने ग्रजेस थे लोगों को लेकर कि अब मैं सोचती हूँ कि यू you नो know, क्या क्या मैं लेकर बैठ गई थी उस समय बट बुरा लगा रिलेटिव्स को लेकर फैमिली को लेकर फ्रेंड्स को लेकर टीचर्स को लेकर बहुत सी नाराज़गी थी तो उस समय सब कुछ निकलता गया और जैसे जैसे मैं बोलती गई ना मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो सुन रहा है अब पता नहीं वो शक्ति क्या है बट मैं महसूस कर रही थी कि कोई सुन रहा है और उस समय शायद कुछ यू you नो know, लेने में उठी और मेरा बुक शेल्फ था घर में जहाँ से मैं कुछ लेना चाहती थी ऊपर से और अचानक से ये बुक गिर गई मेरे सामने जिसका नाम था द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले फ्लोरेंस कोबल शिन की बुक है और नॉर्मली मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ती हूँ मैंने कभी नहीं पढ़ी है एक भी किताब पंद्रह सोलह साल तक बट उस समय कुछ ऐसा खिंचाव महसूस किया कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए मैंने बुक उठाया और पहला चैप्टर ही जो था वो था कि अगर आपकी ज़िंदगी यू नो बहुत तकलीफ़ से गुजरी है अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें इसमें मैं आपको माइंड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ देखी है ट्रांसफॉर्मेशन और अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है तो आज इस मोमेंट में भी लाइफ बदल सकती है आप करके देखिए तो इंटरेस्ट जागा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा चैप्टर था फगिवनेस पे तो मुझे ऐसा लगा जैसे यू नो यूनिवर्स मुझे मैसेज भेज रहा है कि फगीव करो लेट गो करो तो वहाँ से शुरुआत हुई उसके बाद बहुत इंटरेस्ट लगा इन चीज़ों को लेकर और अब मैं सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं बचपन में मैं बाल विकास क्लासेज में जाती थी ये वैल्यू एजुकेशन क्लासेस थे बच्चों को स्पिरिचुअल वैल्यूज़ देने के तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ाउंडेशन वहाँ से शुरू हुआ हालांकि उस समय मैंने इन चीज़ों की कदर नहीं की क्योंकि ना बच्चे होते हैं हम नहीं ध्यान देते हैं ज़्यादा लेकिन अब सोचती हूँ तो शायद कहीं ना कहीं फ़ाउंडेशन भी वहाँ से हुआ और वहाँ से पंद्रह सोलह साल से मैंने फिर बुक्स पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे करके जब मैं एम तक पहुँची अपने मैंने एक बिज़नेस एनालिस्ट का जॉब भी लिया उस समय मैं बहुत स्ट्रेस्ड थी और कहीं ना कहीं वो जो लिंक था अपने ऊपर काम करने का वो टूट चुका था तो वापस से इक्कीस बाईस साल में वो लिंक जुड़ने लगा और फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं मुझे इन चीज़ों को ज़्यादा समय देना है तब मैंने सीरियसली अपने अंदर काम करना शुरू किया तब मैंने एनर्जी क्लेंजिंग के बारे में समझा और वहाँ से मेरी जर्नी फिर शुरू हुई और ऑफ़ कोर्स वेट पर मैंने काम किया अपने uh, बिना किसी डाइट के बिना किसी हेल्प के एक्सटर्नल हेल्प के मेरा बीस पच्चीस किलो कम हो गया कुछ महीनों में और uh, मैं एक्चुअली अपने आप को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर दे दी कि मुझे ये करना है अपने लिए बट hmm. धीरे धीरे करके जैसे मैंने अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया hmm. मुझे लगता है जब एक्सेप्टेंस आ गई कि ठीक है ऐसी हूँ और ऐसी हूँ लेकिन बेटर तो बन सकती हूँ और दूसरी चीज़ फगिवनेस मैंने फगवनेस पर बहुत काम किया मैं रोज़ लिखती कि मुझे इस इंसान को फगिव करना है और सात दिन मैं एक इंसान को फगिव करती एक्चुअली मुझे उस समय पता नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तीन दिनों के साइकिल में काम करता है मेटाफिज़िक्स में हम ये समझते हैं कि एक हफ़्ते में दो साइकिल होते हैं एनर्जी के अगर आप कोई भी इमोशन को रिलीज़ करना चाहते हैं तो आप एक हफ़्ते तक उस इमोशन पर काम कीजिए तो मैं एक्चुअली बाई ही करने लगी थी मैंने ये सोचा था एक हफ़्ता एक इंसान को फग करने के लिए तो ऐसे तीन महीने मैंने अपने बॉडी को एक्सेप्ट किया कैसे मैं मिरर के सामने जाती अपने आप को देखती और अपने आप को कुछ अच्छा बोलती और मैं अपने आप को ये भी रिमाइंड करती कि शायद किसी ने मुझे नहीं बोला है लेकिन आज मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ मैं बहुत सिंसियर हूँ मैं डिज़र्विंग हूँ यहाँ से एक लेवल पे काम करना शुरू किया दूसरे लेवल पे फगिवनेस किया और मुझे ये एहसास हुआ जैसे जैसे मैं फगिव कर रही हूँ लोगों को वैसे वैसे बॉडी थोड़ी लाइटर फील हो रही है और जब रात को सोती बहुत अच्छी नींद आने लगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि मैंने कुछ सही किया है तो शायद मेरा स्पिरिट मुझे ये एक्सप्रेस करना दे रहा था कि आप फगेवनेस करो और इससे आप दुनिया को एक अलग परस्पेक्टिव से देखोगे नहीं hmm, nice. फिर आपने वेट लॉस किया उसके बाद क्या अभी कैसा चल रहा है अभी क्या क्या चल कर रहे हो आप उसके बाद मैं मेटाफिज़िक्स को पढ़ना ज़्यादा सीरीसली लिया क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे शायद इसे अपना पैशन और इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए मुझे अभी भी याद है एक कॉन्वर्सेशन मेरे बॉस के साथ जब मैंने उनसे कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ाई करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और फिर ऑफ़ कोर्स मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की तो जब भी मैं मेटाफिज़िक्स पढ़ना चाहती थी मुझे हमेशा ये कहा गया कि आप डीपर कैसे जाएंगे आपको पहले बैचलर्स करना पड़ेगा फिर आपको मास्टर्स करना पड़ेगा यानी अगर आपको सच में सीरियसली इस प्रोफ़ेशन को लेना है तो मैंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए परमानेंट अपने बॉस को कि मुझे छोड़ना है उन्होंने मुझे एक बात कही कि आप जब तक आप पचास साठ साल के नहीं हो जाते हैं ना कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा तो आपको करना है ठीक है अगर नहीं पसंद आया तो वापस आ जाइए नो प्रॉब्लम हम ले लेंगे आपको तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर गई मैंने सोचा कि नहीं नहीं अभी तो प्रूव करना है लोगों को कुछ करना है बट वहाँ से मेरी एजुकेशन इन इस फील्ड की एजुकेशन की शुरुआत हुई मैंने मेटाफिज़िक्स में अपनी बैचलर्स की मास्टर्स की फिर मैंने अपनी डॉक्टरेट की और उस समय मैंने दो पेपर्स जो मेरे थीसिस के पेपर्स थे एक था वर्ड्स के ऊपर और एक था फगिवनेस के ऊपर तो ये दोनों सब्जेक्ट्स क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो मैंने इन पर ज़्यादा फोकस दिया ये मेरी स्पेशलाइजेशन थी कि वर्ड्स के थ्रू आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं और फगीवनेस के थ्रू लेटिंग गो के थ्रू आप कैसे चेंजेस ला सकते हैं वहाँ से ऑफ़कोर्स मैंने क्लाइंट्स लेना शुरू कर दिया मैं एक्चुअली अभी भी एजुकेशन uh, मेरा चालू था लेकिन uh, कहते हैं ना कि जब टीचर रेडी होता है स्टूडेंट भी आ जाता है तो फैमिली से फ्रेंड्स से और मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे जब भी कोई अच्छा नहीं फील कर रहा है तो मेरी ड्यूटी है उसको बेटर फील कराना एक अंदर से फीलिंग आती कि यू नो क्यों ऐसा फील कर रहे हो ऐसा नहीं फील करना चाहिए तो बहुत मज़ा आने लगा और मैंने अपने आप से कहा कि मैं नहीं जानती इसमें कितना सक्सेस है क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रही हूँ 2010 के आसपास ये लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं थी इंडिया में इनफैक्ट मुझे याद है मेरे एक अंकिल हैं डॉक्टर उन्होंने मुझे कहा कि तुम एग्जैक्टली exactly करना क्या चाहती हो और तब मैंने उन्हें समझाया उन्होंने कहा ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है आ। तुम्हें पता है ना मैंने बोला हाँ मुझे पता है लेकिन मैं ट्राई करी तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई और वन टू वन मैंने बहुत क्लाइंट्स के साथ काम करना उस समय भी शुरू कर दिया धीरे धीरे करके वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दिया 2010 से आपने स्टार्ट कर दिया था जी वर्कशॉप्स मैंने 2011 से चालू किया 2010 ये एक साल मैंने सिर्फ क्लाइंट्स को देखा सेशंस लिए थेरेपी की सो so आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे पेपर लिखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आई थिंक लोग उस पर ही नहीं ज्यादातर अभी भी नहीं करते वर्ड्स और तो आई थिंक आपने पूरी उस पर थीसिस लिखी थी राइट right? तो मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा हम थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल <laughs> चीजें <laughs> जो आप देखते हो वर्ड्स को लेकर हम <laughs> लोग नॉर्मल लोग गलतियाँ करते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर आप कुछ बता सके पहले वर्ड्स को पकड़ते फिर जी, पे जी बिल्कुल सबसे पहले तो हम उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं जो सही नहीं जा रही हैं लाइफ में जैसे कि अगर सुबह मेरी इतनी अच्छी नहीं गई तो वह ना हमें आदत है किसी को फ़ोन करेंगे तो बताएंगे आ, दुख दर्द सुबह हाँ देखो स्टाफ नहीं आया घर पर बहुत ट्रैफिक थी फंस गया ऑफिस में भी उन्होंने ऐसे बात की तो मतलब हमें एक टेंडेंसी है एक्चुअली किन चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़्यादातर वो वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं गई हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें समझे और कोई कहे कि हाँ तुम सही कह रही हो दुनिया ही ऐसी है वर्ल्ड ही ऐसी है लोग ऐसे हैं तो एक कहीं ना कहीं एक विक्टिम मैंटैलिटी की मैं बात कर रही हूँ और एक फ़ील गुड फैक्टर होता है कि कोई कहता है हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ ऐसे ही हैं लोग क्या कर सकते हैं तो आई थिंक वो अगर चेंज कर लें क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपने एक क्लाइंट की आ, मेरे शुरुआत की जर्नी में जब भी मैं उनसे बात करती मैं उनसे कहती कि कैसे हैं आप और वो कहते आज तो ठीक हूँ मैडम कल का पता नहीं है मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यू you नो know, हम एप्रीहेंसिवली सोचते हैं और वर्ड्स में वही आता है बट मैंने एक चीज़ नोटिस की अगर आप कॉन्शियसली वर्ड्स अलग तरीके के यूज़ करो जैसे कि पॉजिटिव यूज़ करो तो आज के आपके जो वर्ड्स हैं वो कल के थॉट्स बन जाते हैं तो अगर आज मैं एफर्ट लूँ कुछ अच्छा बोलने की जैसे कि यू you नो know, लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं अपने गोल्स के लायक हूँ आज का दिन बहुत अच्छा है इनफैक्ट कोई एक वर्ड को पकड़िए सपोजिंग आज आपने ब्यूटिफुल वर्ड पकड़ा तो अपने कॉन्वर्सेशन्स में ब्यूटिफुल यूज़ कीजिए लोगों के साथ वॉट अ ब्यूटिफुल डे ना आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो ओ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन ब्यूटीफुल बुक मतलब जानबूझ कर ब्यूटिफुल शब्द को लेकर आइए अपने कॉन्वर्सेशन में तो आपका माइंड क्या करेगा ब्यूटीफुल वर्ड को ज़्यादा कनेक्ट करते हुए आपको उसी प्रकार की एनर्जी आपके लाइफ में लेकर आएगा और आप नोटिस करोगे कि कल विदाउट एफर्ट आप ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं तो ये एक चीज़ है कि जो अच्छा नहीं जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा मत बोलिए एक सेंटेंस में बोलिए सपोजिंग आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं बताइए किसी को बताना है कि अच्छा नहीं फील हो रहा है बताइए बट फिर कुछ और ऐसा बोलिए जिससे ऐसा लगे सबकॉन्शियस माइंड को कि आप बेटर फील करना चाहते हैं राइट right. और जो चीज़ अच्छी जा रही है उसके बारे में ज़्यादा बात कीजिए जैसे कि अगर किसी ने आपकी मदद की तो उसके बारे में बहुत लोगों को बताइए आपने कुछ अच्छा पढ़ा बहुत लोगों से शेयर कीजिए तो अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ये वर्ड्स आपके थॉट्स बनेंगे थॉट्स आपके फीलिंग्स बनेंगे और फीलिंग्स वाइब्रेशन लेकर आती हैं वाइब्रेशन रिजल्ट्स लेकर आता है क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं हम नोटिस नहीं करते हैं लेकिन जब वो तुरंत एक एक्शन आता है हमसे वो क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उस मोड में है और उस वाइब्रेशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिनसे जब ब्रेन मेरे बॉडी में एक वाइब्रेशन पास करता है तो मैं उसको एक फोकस दूँ ये चाहिए मुझे क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस माइंड पावर तो है बट विदाउट डायरेक्शन मुझे उसको डायरेक्शन देना है तो मैं वर्ड्स के थ्रू उसको डायरेक्शन दे सकती हूँ और एक अच्छा वर्ड और अच्छे वर्ड्स माइंड में लेकर आता है तो ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है दूसरा तो अगर कुछ भी चाहिए लाइफ में जैसे कि हीलिंग चाहिए एक नया रिश्ता अट्रैक्ट करना है कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करना है बिज़नेस शुरू करना है तो इस तरह से अपने आप के साथ बात कीजिए जैसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी वेट लॉस पर काम किया तब मैंने आईने के सामने जाकर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दिए बहुत जिससे बहुत फ़र्क लगा क्योंकि जब मैं खाने के लिए बैठती और कुछ भी खाती मुझे ऐसा लगता कि मैं तो खाने डिजर्व ही नहीं करती हूँ खाना भी नहीं चाहिए मुझे कहाँ वेट कम हो रहा है मेरा तो यू नो एक नेगेटिव थाट सा आता और एक फीलिंग सी नेगेटिव सी आती जिससे मुझे ऐसा लगता कि मैं ही अपनी बॉडी के डाइजेशन को अफेक्ट कर रही हूँ मैं अपनी बॉडी को नेगेटिव मूड में लेके जा रही हूँ लेकिन जब मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया कुछ अच्छा बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे बॉडी थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई है बॉडी में जो टेंशन है वो टेंशन थोड़ा कम होने लगा और ऐसा फील होता जैसे मैं जो बोल रही हूँ ना वो सही है मेरे अंदर से जैसे आवाज़ आती कि ये सही है तो वो एक पॉजिटिव चेंज आ सकती है जब आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं और जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ज़्यादा जैसे कि आप डिक्लेयर करें कि मैं अपने बिज़नेस में बहुत सफल हूँ लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आप इसको जब बोलते हैं तो आपके दो कान हैं आप ही की आवाज़ आपके अंदर जाती है और फिर एक कॉन्फिडेंस आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्यों जो थॉट आप अपने आप को बार बार देते हैं और स्पेशली मैंने नोटिस किया जब हम वर्बली बोलते हैं तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है क्योंकि माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं तो हो सकता है आप जो चाहते हैं उसकी थॉट उन हजारों लाखों थॉट्स में खो जाए खो जाए पर जब वर्ड्स के थ्रू बोलते हैं तो ब्रेन भी उस पर फोकस करने लगता है एक नया कनेक्शन बनाने लगता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अंदर जो सेल्फ इमेज है आपके बारे में जैसे कि अब तक शायद इमेज है कि मैं बिज़नेस नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बिज़नेस के लायक हूँ और मेरा बिज़नेस मुझे बहुत सफलता ला रहा है तो अचानक से जो सेल्फ़ इमेज है ना वो सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन चैलेंज करने लगता है जो पुरानी इमेज है धीरे धीरे करके रेपुटेशन से थोड़ी वीक होने लगती है और एक समय आएगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे अपने लिए और वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लाने के, लाने के लिए आपने बहुत ब्यूटिफुल आई थिंक बहुत कामली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार लोग बस ऐसे ही बोलने के लिए बोलते रहते हैं कुछ भी बोलते हैं वर्ड्स का पावर नहीं समझते बेसिकली मुझे ऐसा लगता है और उसका मिस यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा होता है हम कुछ भी बोलते हैं बट उसको मीन नहीं करते और कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी सब कन्फ्यूजन क्रिएट करता होगा दिमाग के अंदर कई बार जाके अच्छा इसमें मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा आया था आई थिंक उसने आपने थोड़ा सा आंसर किया था उसको बट mm. फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कई बार देखो बोलते हैं हम लोग कई बार जज्बात दबा के रखते हैं mm. और वो टाइम में बोला वेंट आउट करना ज़रूरी होता है बोलना बहुत ज़रूरी होता है ये मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया है मेरे को आपका भी पॉइंट समझ में आ रहा है बट मैं चाहता हूँ उसका मिडिल ग्राउंड क्या होगा वो समझना चाहता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार लोग दिल में रखते हैं बट कभी बोलते नहीं हैं और मुझे लगता है कभी वो बोलना ज़रूरी है और एक तरफ ऐसा होता है कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा ही बोलते रहते हैं तो इसका कब बोलना चाहिए कितना बोलना चाहिए नेगेटिव कुछ ऐसा उसका है कि क्या है उसके विषय सबसे पहले तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए साइलेंस में मैंने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे स्पेशली वो लेटिंग गो की जब बात आती है जब मैंने साइलेंस में बैठना शुरू किया अब ऑब्वियसली शुरुआत में मैंने तो बहुत जल्दी मे बी इतनी जल्दी नहीं है आजकल बच्चे भी कर रहे हैं लेकिन जब मैं पंद्रह सोलह साल की थी और तब मैंने जो अच्छे बुक्स उठाए उनमें से कई लोगों ने रेकमेंड किया कि यू you नो know, आप मेडिटेशन करो साइलेंस में बैठो uh, मैंने हमेशा मेडिटेशन को सिम्प्लीफाई करना चाहा अपने लिए तो मैं ये सोचती कि मुझे साइलेंस में बैठना है बेसिकली जिसमें मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी है कोई म्यूज़िक नहीं सुनना है आंखें बंद करके अपने साथ बैठना है उस समय मैंने नोटिस किया कई बार मैं ऑब्जर्व करती कि मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है जैसे कि मेरे अंदर गुस्सा काफ़ी था तो मैं नोटिस करती कि गुस्सा उभर के आ रहा है तो उस समय मैं अपने गुस्से को सप्रेस नहीं करती थी मैं एक्सेप्ट कर रही थी एक्चुअली कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक चीज़ तो मैं समझ गई थी कि अगर मुझे अपनी क्लेंजिंग करनी है तो मुझे अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना है क्योंकि जब सप्रेस करती ना तीन चार दिन बाद बहुत ज़्यादा निकलता सही ये होता है राइट और ये मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया अपने साथ तो मैंने अपने आप को एक सिंपल चीज़ कहा मैं साइलेंस में बैठूँगी और उस समय ना मैंने ये समझ लिया था कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन सीखना है नहीं तो मैं साइलेंस में कैसे बैठूंगी पहला स्टेज हमेशा कंसंट्रेशन होता है क्योंकि अगर मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं कॉन्टेम्पलेशन में कह यानी मैं डीपर स्टेज में कैसे जाऊँगी जहाँ पर मैं खो जाऊँगी अपने आप से मैं मेडिटेशन में कहाँ से जाऊँगी तो मैंने समझ लिया था कि मुझे किसी न किसी चीज़ पर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करना सीखना है तो मैंने क्या किया था मैं अपने थम्प को इस तरह से सामने रखती अपने थम्प को देखती और फ्यू मिनट्स तक इसको देखती फिर आंखें बंद करके अपने थम्प को विजुलाइज़ करती तो ऐसे क्या होता मैं नोटिस करती मैं थॉटलेस हो गई हूँ अभी मैं अपने थम को इमेजिन कर रही हूँ तो थम से शुरुआत करते करते मैं कभी कभी सामने एक किताब रहती उसको सिर्फ उसके कवर को देखती या एक क्लॉक को देखती या प्लेन दीवार को भी देखती बट मैं कहीं ना कहीं अपनी कॉन्सेंट्रेशन लगाने की कोशिश कर रही थी जब कॉन्सेंट्रेशन होने लगा तब मैं अपने बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स कर पाई इसका मतलब अगर मैं थॉटलेस हूँ तो बॉडी मैंने नोटिस किया ऑटोमेटिकली टेंशन निकाल रहा है क्योंकि थाट बॉडी को टेंशन में रख रहा है आप थाटलेस हो रहे हो तो बॉडी रिलैक्स हो रहा है और ऐसे में मैं अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर सकती थी विदाउट गेटिंग टू अटैच्ड यानी मैं इतना नेगेटिवली अपने आप को नहीं देखती सो इवन इफ मेरे अंदर गुस्सा होता तो गुस्से से मुझे ये नहीं लगता कि मुझे अंदर गुस्सा क्यों है मुझे ऐसा लगता कि है ठीक है है तो एक्सेप्टेंस आ जाती साइलेंट सिटिंग में और उस समय मैं अक्नॉलेज तो करती कि मुझे लग रहा है बट अपने आप को जैसे है ना एक माता पिता कैसे एक पेरेंट कैसे बच्चे से बात करते हैं मैं मैंने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया ठीक है गुस्सा है तो इट्स ओके okay. अभी है और जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है आज ऐसा है शायद कल ऐसा ना हो और मैं क्यों इनकी बातों को पर्सनली लूँ क्यों मेरे लाइफ में बहुत कुछ मुझे करना है क्यों ना मैं उस पर फोकस करूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी, भी मैं वर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेकर आती तो जब मैंने साइलेंट सिटिंग करना शुरू किया मैंने नोटिस किया जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होती है ब्रेथ जो है वो और काम होता जा रहा है स्लोअर होता जा रहा है ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन से तो रिलैक्सेशन फील हो रहा है और इस रिलैक्सेशन में ना जब मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो जैसे मैं लाइट फील मेरी इमोशन निकल रही है और ऑफ कोर्स उस समय मैंने काफी टेक्निक्स भी सीखे के, जैसे कि एक ऐसी टेक्निक सीखी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया मैं अपने आप को इन्हेलेशन में काउंट्स देती एक दो तीन चार फिर मैं अपने ब्रेथ को होल्ड करती एक दो तीन चार माइंड में बोलकर और एक्जेल करके बोलती एक दो तीन चार अपने माइंड में फोर फोर और जब मैं एक्जेल करती मैं मुंह से एक्ल करती ओके okay. एक जैसे बहुत सॉफ़्ट सा हा साउंड आता है इसमें उसमें मुझे फील होता है जैसे मेरी मेरा गुस्सा निकल रहा है जो अंदर से जो पेन है सफ़रिंग है वो निकल रही है जो उदासी है वो निकल रही है तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने महसूस किया कि जब मैं किसी और से बात करती हूँ जो कि करना चाहिए आप अगर अपनों से बात करना चाहते हैं कीजिए लेकिन उस बात को इतना मत खींच और स्पेशली अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि यू नो हाँ सही है लोग ऐसे हैं दुनिया ऐसी है ऐसे ही है हम, हम कुछ नहीं कर सकते तो वो कॉन्वर्सेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सही नहीं है okay. तो सही लोगों को च नहीं है। अगर आप अपने कोच से बात कर रहे हैं ज़रूर आप ओपनली बात कीजिए कोई ऐसा बड़ा है कोई फ्रेंड है जो आपको समझता है और आपको कोई अच्छी सलाह दे सके उनसे बात कीजिए लेकिन कॉन्वर्सेशन अल्टीमेटली सल्यूशन की तरफ जाना चाहिए तब आपकी वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे नहीं तो बैकफायर कर जाते हैं राइट आई थिंक इसको ये हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं आपने जो बोला उसी चीज़ को आपको ना नेगेटिविटी एक हैबिट नहीं क्रिएट कर देना चाहिए कई बार लोग हैबिट क्रिएट कर देते हैं मतलब वही नेगेटिव बातें बार बार ये ऐसा ही है वो ऐसे ही ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा मैं देखता हूँ कई बार लोग रोना चालू करते किसी चीज़ को लेकर तो वो महीनों सालों भर उसी चीज़ को टॉपिक को लेकर होते बट उससे कुछ प्रोडक्टिव कुछ अच्छा हो रहा नहीं है ना आपके लिए ना उस उस इंसान को तो खैर फ़र्क भी नहीं पड़ा उसको पता भी नहीं क्या हो रहा क्या है तो आपने ये यही है कि हमें पावर ऑफ वर्ड्स आप एक चाहिए तो एक बार वेंट आउट कर सकते हैं हम बट डोंट मेक इट है और वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज करिए तो मैं वर्ड्स के ऊपर एक और क्वेश्चन था मेरा कि आपको क्या लगता है कौन से कौन से वर्ड्स जो सही नहीं है कुछ ऐसे कुछ, कुछ है कि ये तो वर्ड्स ट्राई करो अवॉइड करने का है। और ऑबियसली ज्यादा हम पूरी तरीके से एलिमिनेट ना कर पाए बट कम कर देना चाहिए कुछ वर्ड्स को hmm. और ऑन द पॉजिटिव साइड से कौन से वर्ड्स है जो ज्यादा करना जैसे आई एम ब्यूटिफुल आपने बोला hmm. ऐसे और कुछ वर्ड्स है hmm. जो पॉजिटिव होता है लव प्यार Hmm. जितना ज़्यादा आप इस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने वर्ड्स में उतना ही ज़्यादा अच्छा अल्टीमेटली सबसे हाईएस्ट एनर्जी देखी जाए तो लव की है okay. प्यार की है तो जहाँ भी हो सके आप लोगों को ये ही अपनों से एक्सप्रेस कीजिए कि आप उनसे प्यार करते हैं और थैंक uh, यू एक ऐसा वर्ड है जो एक इमोशन है एक्चुअली ग्रेटिट्यूड की तो जब भी चांस मिले थैंक यू ज़रूर बोलना hmm. और मुझे ऐसा लगता है जब आप स्माइल करके कोई भी चीज़ बोलते हैं अच्छी पॉजिटिव वर्ड है तो उसको ज़्यादा पावर मिलता है और अफ़कोर्स uh, आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो उन्हें ये बोलिए आप सपोज़ उनकी बात सुन रहे हैं मैं तुम्हें समझता हूँ मैं तुम्हें समझती हूँ इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब किसी को लगता है ना कि वो समझे जा रहे हैं बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो अगर वो ये सुनते हैं कि मैं मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करती हूँ तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है तो आई थिंक ये वर्ड्स अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में लेकर आएँ ऑफ़कोर्स बहुत अच्छे वर्ड्स भी हैं जैसे कि यू नो ब्यूटिफुल है अमेजिंग है बेस्ट है सुपर्ब है आई थिंक ये वर्ड्स हमारी जनरेशन भी कनेक्ट कर पाती है यूथ कनेक्ट कर पाता है लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि वो बहुत कैजअली यूज़ करते हैं आई एम सो टायर्ड मैं तो थक गई हूँ ये बहुत कैजुअली यूज़ होता है आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जब आप बोल रहे हैं मैं थक गई हूँ तब तक शायद आपके ब्रेन ने इसकी वाइब्रेशन पास नहीं की आपको सिम्टम्स नहीं आए थकावट के लेकिन आप बोल रहे हैं ओ आज पूरा दिन बाहर थे मैं तो थक गई हूँ उसके बाद आपका बॉडी और थकान आपको देगा आप नोटिस करो तो ये वर्ड कैजुअली नहीं यूज़ करना चाहिए राइट right. दूसरा तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप आजकल बहुत सुनते हैं ओ आई हेट यू लोग मजाक में भी बोलते हैं hmm. अच्छा नहीं है, है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई ह्यूमर नहीं होता वो नहीं समझता कि आप मजाक कर रहे हैं hmm. वो आपके इस इमोशन को ज़रूर बाहर लेकर आएगा तीसरी चीज़ जो मैं बहुत नोटिस करती हूँ कभी कभी लोग अगर आपको कुछ अच्छा भी बोलते हैं तो लोग उसे नहीं ले पाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम यू you नो know, ऐसे बोलें कि अरे नहीं नहीं मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता नहीं कहाँ मैं कहाँ इतने पैसे कमा रहा हूँ मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सबकॉन्शियस सुन रहा है मान भी रहा है, मान रहा है। <laughs> और जितना आप बोलेंगे उसको भले मज़ाक में बोल रहे हैं <laughs> बहुत फर्क पड़ जाता है राइट ये आपने एकदम सही चीज़ की हम लोग ना इतना कैजुअली वर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को गिराते रहता है अपने आप को बढ़ाने के बजाय गिराते रहते हैं ठीक हम आई डोंट नो पूरे वर्ल्ड में होगा बट इंडियंस में हमारे कई बार हमने एक मज़ाक मस्ती में एक दूसरे को गिराते रहेंगे टांग खींचते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स में हमें यूजुल नेगेटिव बोलते सब के अंदर होता है सिर्फ पेरेंट्स की बात भी नहीं करूँगा हम लोग नेगेटिवली नेगेटिवलीदम ईजीली बोल देंगे लेकिन जहाँ पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की बात आती है हम लोग खिंच खिंचा है और बहुत रेयरली बोलते हैं इसलिए हम लोग हमेशा करीब भी करते हैं बचपन से करेगा हमें कोई प्रेस कर दे कोई बोले कि नहीं तूने अच्छा काम किया यू डिड अ गुड जॉब यू कैन डू गुड ग्रेट थिंग्स ये पॉजिटिव वर्ड्स मुझे लगता है इंडिया में शायद आपको ऐसा लगता है कम बोले जाते हैं कम अप्रिशिएट किया जाता है बच्चों को भी अगर वो काम कर रहे हैं जब तक उनको भाई अगेन हम पहले भी एक पॉडकास्ट में ये बात कर रहे थे रिजल्ट्स इतने रिजल्ट फोकस्ड रहते हैं कि यार जो एफर्ट डाले उसको तो गिनती ही करता है कोई भी एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करता कोई जबकि एफर्ट्स मुझे लगता है सेलिब्रेट ज़्यादा होना चाहिए कमेयेयर टू रिजल्ट बट हमारी सोसाइटी हम सब लोग ज्यादा रिजल्ट करते हैं भले से बच्चे ने कितनी भी मेहनत किया इसके कितनी भी मेहनत किया फेल हो गया तो उसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ तो रिजल्ट है तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है क्या बोलना चाहेंगे आई थिंक आज मैं चेंजेस देख रही हूँ मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं जो अभी नए में पेरेंट्स बने हैं या जो बनने जा रहे हैं और उनका एक कंसर्न है कि हम कैसे अपने बच्चे को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें तो मैं एक पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ जहाँ पे लोग यू you नो know, ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं माइंड पावर को समझ रहे हैं एनर्जी को समझ रहे हैं और वो ये महसूस करते हैं कि शायद उनके साथ ऐसा हुआ जहाँ पे पेरेंट्स की देखिए इंटेंशन तो शायद बहुत अच्छी थी लेकिन क्योंकि शायद उनकी भी अपब्रिंगिंग ऐसी थी उनका इन्वायरमेंट ऐसा था कि वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए बच्चों को या शायद उन्होंने इतनी इंडिपेंडेंस नहीं दी बच्चों को कई बार इंडिपेंडेंस हम डर की वजह से नहीं देते हैं और आज मैं ये पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ कि लोग मुझे आकर पूछते हैं कि डॉक्टर हम कैसे करें पॉजिटिवली कैसे किसी को इम्पैक्ट करें और किस तरह से हम अपने बच्चों को एक ऐसा इन्वामेंट दें जहाँ पे यू you नो know, हम उन्हें इनक्रेज करें उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड दें कि वो जो चाहे वो कर सके mm -hmm. और कई बार वो ये अक्नोलेज भी करते हैं कि यू you नो know, हमें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि हमने कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचा तो हम ऐसा क्या करें कि बच्चे भी यू नो शुरू से ही पॉजिटिव सोचें और तब मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप जिस तरह से बोलेंगे आप इग्ज़ैम्पल सेट करेंगे अपने बच्चों के लिए और एग्ज़ैम्पल कहते हैं ना बेस्ट तरीका नहीं है बच्चों को समझाने का ओनली तरीका है मतलब और कोई तरीका है ही नहीं तो आप ये सोचो कि अगर आप प्यार से बात करेंगे दूसरों की बुराई कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे उस हिसाब से सीखेंगे और एक सिंपल प्रैक्टिस सोने के पहले ना आपके दिन में जो अच्छा हुआ वो बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना मुझे अभी भी याद है कि मेरे मेरी मदर हमेशा ये शेयर करती मेरे साथ रात को कि मेरे साथ ना आज उसने ये कहा एंड मैंने नोटिस किया अभी कई सालों बाद मैंने जब इस बात के बारे में सोचा कि ज़्यादातर वो अच्छी चीज़ें ही बताती तो कहीं ना कहीं आई फील कि अगर हम इस तरह से चीज़ों को रखेंगे बच्चों के आगे बहुत फ़र्क पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आज यू you नो know, इंटरनेट है सोशल मीडिया है बुरी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट भी होती हैं तो शायद ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में चेंज नहीं आ रहा है बट जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो इतनी नहीं दिखती थी थी दिखती हैं, हैं। बट चेंज पॉजिटिवली जरूर हो रहा है और एक मोमेंट एक वाइब्रेशन एक एक्सपीरियंस ही चेंज ला सकता है तो आज से ही अगर हम शुरू कर दें तो हमारा कल बेटर होगा राइट right. आपने ये बात भी तो सही बोले एग्जाम्पल बेस्ट वे टू तो टीच मैं भी हमेशा ना अब हम नोटिस किया था मैंने भी कि हम कॉलेज में थे तो जो भी टीचर्स हमेशा सिर्फ वैसी थियोरी थियरी या फिर बहुत ज़्यादा जागन्स यूज़ करते उनसे बहुत बोर होता था बट जो भी टीचर हमें एग्ज़ैम्पल देता था अपनी कहानियाँ बताता था वो बहुत मज़ा आती थी तो वो उससे कैसा अटेंशन भी बढ़ता था और सीखने भी ज़्यादा मिलता था तो कमिंग फ्रॉम उधर ही से आते हुए आ, कि कुछ ऐसा एग्ज़ैम्पल आप दे सकते हो कि बच्चों को कहीं आपके कभी भी आपके साथ आपने कभी अपने किसी क्लाइंट के साथ भी देखा है कि ऐसा कुछ हुआ ऐसा कुछ इशू हुआ आपके दिमाग में आ रहा है वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव जी हाँ बिल्कुल इनफैक्ट एक पेरेंट मेरे पास आई थी मदर मेरे पास आई थी जिनका बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता था और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्होंने टीचर्स से भी बात की बट शायद ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे इस बच्चे को शायद अच्छा नहीं फील हुआ आप चाहे उनके फ्रेंड्स अभी तक हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट इशू क्या थी बट हमें बस इतना पता है कि बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता था ओके और काफ़ी दिन हो गए तब उस मदर ने आके कहा कि यू नो मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ करके देख दिया स्कूल में काउंसलर भी बैठते हैं वहाँ पे भी लेकर गई बट बच्चा नहीं मान रहा तो जब मैंने बच्चे से बात की यू नो मैंने ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा लाइटर वे में पूछा बात की समझाया कि देखो बेटा क्या करना है आपको बड़े होकर क्या करना है तो जब मैंने उन्हें इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जैसे कि आपको क्या बनना है आपको क्या करना है और आपके साथ अच्छा अच्छा क्या हुआ है अब तक बताइए तो धीरे धीरे करके मैंने नोटिस किया कि अगर मैं उनको एक पॉजिटिव थाट दे रही हूँ तो बच्चा भी मुझे कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव दे रहा है और मैंने उनसे एक चीज़ कही कि हो सकता है किसी भी कारण आपको डर है स्कूल में जाना हु? हो सकता है किसी ने आपको गलत तरीके से देखा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए कैसे आप जैसे ही घर से निकलते हैं ना ये सोचिए कि आपके सामने एक पिलर है और आपका फेवरेट कलर कौन सा है उन्होंने कहा मेरा फेवरेट कलर ब्लू है ऐसे वेरी नाइस तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका ब्लू पिलर आपके सामने है जो आपके आसपास है से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और जैसे जैसे आप स्कूल जाते हैं क्लास में बैठते हैं याद रखिए ब्लू पिलर आपको प्रोटेक्ट है तो कोई भी उन्होंने ये कहा तो क्या कोई भी इस पिलर के अंदर नहीं आ सकता मतलब मुझे कोई भी हार्म नहीं कर सकता मैंने कहा को, कोई हार्म नहीं कर सकता ब्लू पिलर है आपके आसपास ये जो ब्लू पिलर है ना वो यूनिवर्स का पिलर है और आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ अपना है किसी और का नहीं है आज से ही आप अपने साथ बैठिए और गॉड को यूनिवर्स को बात करना शुरू कर दीजिए जो भी आपको शिकायतें हैं ना आप यूनिवर्स को बोलिए रोज़ रात को अपने दिल में मत रखिए बोलिए जो बोलना है बोलिए और उसके बाद आपको जो चाहिए अगले दिन हो वो भी आप बोलिए और फिर थैंक यू बोलिए ये सोच कर के यूनिवर्स ने आपकी बात मान ली और याद रखिए यूनिवर्स आपके साथ है बट उनका ये काउंटर क्वेश्चन था मुझे कैसे पता कि यूनिवर्स मेरे साथ है मैंने कहा ये सोचो कि वो ब्लू पिलर है ना वो ब्लू पिलर यूनिवर्स है यूनिवर्सल शक्ति है पावर है आफ्टर ऑल आज क्वांटम फिजिक्स का ये मानते हैं कि सब कुछ एनर्जी है तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पे यूनिवर्सल पावर नहीं है तो मैंने उनसे यही कहा कि आप ये सोचो कि ये पिलर आपके साथ है और जब भी आपको डर लगे ना बस उस पिलर को याद कर देना ये सोचो कि आप उस पिलर को जाके हक कर रहे हो उस पिलर को हक करके माइंड में सोचो कि सब कुछ ठीक होने वाला है तो जब उन्होंने एक्चुअली ये सोचा कि ना कोई पावर है जो उनके सुन रही है और उनसे बात कर रही है और उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है प्लस उन्होंने जब इन ग्रैटिट्यूड पर प्रैक्टिस किया जैसे कि जब भी कुछ अच्छा होता मैंने मदर से कहा आप उनसे ये पूछो कि उनकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है अब तक मतलब कौन से ऐसे हॉलीडेज आप गए जिनको बच्चे को पसंद आया और बच्चे के कौन से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनकी मदद की है तो आप बेसिकली उनका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे रखो ग्रैटिट्यूड पे रखो एक और चीज़ क्योंकि मैंने अपने खुद की लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अगर डर है कोई टेंशन है तो हो सकता है किसी ने तो कुछ बुरा कहा या किया है तो फगिवनेस मैंने सिखाया बच्चे को कि रोज़ रात सोने के पहले जिस किसी ने आपको परेशान किया है ना आप उनके बारे में सोचो और बोलो कि मैं लेट गो करता हूँ मैं लेट गो करती हूँ मैं आपको फगिव करता हूँ मैं अपने को भी फगिव करती हूँ इनफैक्ट सात साल के बच्चों से लेकर नब्बे साल तक मेरे क्लाइंट्स हैं और उन सभी को मैंने नोटिस किया है अगर हम फगिवनेस सिखाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है तो वही सेकंड पॉइंट आई थिंक यही था वर्ड्स के बाद जो थी फॉरगिवनेस उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इसका भी एग्जांपल मिल ही गया फॉरगिवनेस का और भी आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि कोई ऐसा किसी ने गर्ज रखा था या फिर कोई नेगेटिव इमोशंस पाल hmm. के रखा हुआ था आपने अपना एग्जाम्पल तो दिया ही hmm. बट और भी ऐसा कोई देखा है आपने hmm. कि जो फगीवनेस करने के बाद उससे कुछ अच्छा hmm. रिजल्ट मिला बिल्कुल मेरी एक क्लाइंट थी जिनके बेटे थे साढ़े साल तक बेटा माँ बाप से बात नहीं किया बात करना बंद था क्योंकि शायद प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए रिलेटिव्स को लेकर कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई इकलौता बच्चा और माँ बाप से टोटल रिश्ता नाता तोड़कर चला गया इनफैक्ट uh, ऐसा समय था जो वो मेरे पास आई उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं हमारा बेटा कहाँ है फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि वो शहर में है लेकिन वो हमसे बात ही नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस मदर को बहुत गिल्ट भी था कि हमने कुछ चीज़ें गलत की हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी अपने बच्चे के साथ हमने उन्हें सपोर्ट नहीं किया चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमास भी थे बच्चे को और जब ये चीज़ें सामने आई तो बच्चा नहीं देख सका नहीं ले सका और पिता के साथ भी काफ़ी अनबन थी तो छोड़ के चला गया तो सबसे पहले तो मैंने मदर को गिल्ट इमोशन पर काम कराया क्योंकि अगर गिल्ट है तो आपकी बॉडी कभी भी रिलैक्सड नहीं है आपकी वाइब्रेशन कभी भी सही नहीं है और गिल्ट ऐसे इमोशन है जो आपको पनिश करवाती है सबकॉन्शियस को ये फीलिंग जाती है कि आपको पनिश करना है अपने आप को तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जिनसे आपको और तकलीफ हो तो गिल्ट हमने सबसे पहले तो रिलीज़ किया उसके बाद हमने फगिवनेस किया सेल्फ फगिवनेस प्लस उन्हें अपने बेटे के प्रति प्यार तो बहुत था मगर गुस्सा भी बहुत था कि उसने हमने इतना कुछ किया भी है उसके लिए तो कैसे उसने सब रिश्ता नाता छोड़ के कैसे चला गया वो तब हमने गुस्से पे भी काम किया उस समय जब मैंने उन्हें फगिवनेस करवाई मैंने नोटिस की कि उनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर वो लिखेंगी तो उन्हें ज़्यादा हेल्प मिलेगा क्योंकि जब वो फगेवनेस सोचती हैं तो बॉडी टेंशन में आ जाती है वो नहीं ले पाती है बॉडी लेकिन जब वो लिखती हैं तो एक रिलीज़ होती है उनकी इमोशन की और जब मैंने उन्हें लिखना सजेस्ट किया फगिवनेस को मैंने उनकी स्टेटमेंट भी दी रोज़ उन्होंने स्टेटमेंट को लिखा कई बार लिखा और रात को सोने के पहले भी मैं उन्हें यही कहती कि आप सोचें अपने बेटे के बारे में और एक पॉजिटिव थॉट रखिए कि जब वो आपसे पहले बार बात करेंगे इतने समय बाद वो आपको क्या बोलेंगे उनका हमेशा रिप्लाई रहता पर डॉक्टर ये तो दूर की बात है उनका फ़ोन आना मतलब मैं तो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती हूँ कि उसका सामने से फ़ोन आएगा हमें शायद हम कर ले तो ठीक है वो आप कहाँ से करेगा नहीं हमको ये सोचना है और है ना हमने एक डिसाइड किया कि पहली बार जब वो आपको फ़ोन करेंगे ना तो वो कहेंगे कि ममा मैं मिलना चाहता हूँ आप यकीन नहीं मानेंगे कुछ महीने बाद उनकी लड़की का फोन आया और पहला शब्द उन्होंने यही कहा ममा मैं मिलना चाहता हूँ सो so, एक सिंपल सी चीज़ है नेगेटिव इमोशन जो आपकी प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को ब्लॉक करती है भले ही आप चाहते हैं लेकिन अनफर्गीवनेस जो होती है ना वो आपकी विजन को भी ब्लॉक वो आपको पॉजिटिव सोचने देगी ही नहीं और जब आप फर्गीवनेस पे काम करते हैं और आप वर्ड्स की हेल्प लेकर काम करते हैं राइटिंग की हेल्प लेकर काम करते हैं कई बार मेडिटेशन में लोगों की हेल्प ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मेडिटेशन शायद बेस्ट फॉर्म था रिलीज़ करने का और ऐसे में अगर वो जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को सूट करता है करते हैं तो फायदा उन्हें बहुत मिलता है राइट right. सो so, आपने बताया फगीवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपने एग्जाम्पल्स भी दिए कि कैसे फगीवनेस से काफ़ी इम्प्रूवमेंट लोगों को मिला है सो so, कई बार लेकिन ये फगीवनेस करना मुश्किल होता है लोगों के लिए सो yes. so, आपने भी खुद ही बताया कि किसी के लिए मेडिटेट किसी के लिए mm. लिखना तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे कुछ वेरियस तरीके mm. बता सकते हो मे बी थ्री थिंग्स या फोर थिंग्स mm. करके ऐसा mm. ताकि लोगों को कुछ मिल जाए वो लोग वो ट्राई कर सके कि करके फगीवनेस mm. mm. करने के लिए आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे सब लोगों को हेल्प होगी वो है अपने बचपन की एक फ़ोटो लेना अच्छा क्योंकि देखिए बचपन में हमारे साथ कई सारी चीज़ें जाने जाने में हुई हैं और है ना जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं एक शब्द है प्रकृति कि आपके जो टेंडेंसीज़ हैं लाइफ में वो आपकी एक्सपीरियंसेस से आए हैं तो आज अगर आप दुनिया को एक नज़रिए से देख रहे हैं क्योंकि शायद आपके इन्वायरमेंट में आपको ऐसा फील कराया गया और वो आपका विजन बन गया जैसे वो आपकी आंखें में अभी आप ऐसे ही देख रहे हैं दुनिया को अब आगे आप ऐसे ही सोचते हैं तो उसे चेंज करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप उस बचपन के पास वापस जाइए और अपने बचपन की एक फ़ोटो और हम जानते हैं आजकल सबकॉन्शियस माइंड की थियोरीज और सब्जेक्ट्स और यू नो पेपर्स से हिस्ट्री से कि बेसिकली सात आठ साल की उम्र है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप हो चुका है तो अगर आप अपने छः या आठ साल तक की उम्र की एक फ़ोटो रखें अपने सामने उस फोटो को देखें और नोटिस करें कौन से इमोशंस आ रहे हैं आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं लोगों को गुस्सा आता है उदासी आती है घृणा आती है बहुत सारी रिजेंटमेंट होती है किसी के लिए तो जो भी इमोशन है उसको नोटिस करो और सबसे पहले तो अपने इस बच्चे से माफ़ी मांगो यानी सेल्फ़ फगननेस एक्चुअली एक सही तरीका है फगिफनेस की शुरुआत करना क्यों क्योंकि ये जो बच्चा है ना वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है Uh, क्यों क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड भी एक छोटे बच्चे की तरह है सात आठ साल के बाद वो ग्रो करना बंद हो चुका है और दूसरा तो जब हम एक इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक मेमोरी बनकर माइंड में चली जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड को बच्चा इसलिए कहते हैं कि वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है वो निकालना नहीं जानता हमारे साथ जो भी हुआ है अंदर है क्योंकि एनर्जी के तौर पे अंदर गया है लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड को निकालना नहीं आता तो आपको उसकी हेल्प करनी है अब देखिए अगर हम एनर्जी साइकोलॉजी और एनर्जी साइंस को समझें क्योंकि हमने अपने इमोशंस को कोप करना बचपन से ही नहीं सीखा है स्कूल में नहीं सिखाते हैं अगर आपको किसी के लिए हेट है निकालिए <laughs> कैसे फगेफ करें और कैसे अपने आप को यू नो अच्छे नज़रिए से देखें अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे ये सब हमने नहीं सीखा है इसीलिए हो सकता है आपकी जो इमोशंस हैं ना वो ज़्यादातर सप्रेस्ड होते हैं और क्योंकि आपके इमोशन सप्रेस्ड हैं देखिए आपके अंदर अगर कोई है जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी है मेमोरीज हैं तो नेचुरली एक बच्चा अपने माँ को ही देखेगा हेल्प के लिए तो क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में एक ऐसा हिस्सा है जिसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिला जिसको हेल्प नहीं मिली उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली आपको और आपके प्रति गुस्सा रखता है तो जो इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो जो आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए है क्योंकि आपका इनर चाइल्ड आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ये नेगेटिव इमोशंस फील करता है तो अगर आज किसी ने मुझे चीट किया किसी ने मुझे बुरा फील किया तो शायद मेरा सबकॉन्शियस माइंड हेल्प मांग रहा है मुझसे शायद उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है और क्योंकि वो मेरे से गुस्सा है वो मेरे लाइफ में ऐसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है तो जब आप अपने फोटो को देखते हैं अक्नॉलेज करते हैं अपने इमोशंस को और अपने बच्चे से बात करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंज आती है और आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं ओके okay.

Hmm. और जो भी आपको परेशान कर रहा है जो भी चीज़ आपको परेशान करी नोटिस कीजिए कि आपकी बॉडी में कहाँ पे वो हैवीनेस ला रहा है hmm. क्योंकि अगर आप ऐसे करना शुरू करेंगे नोटिस करेंगे किन लोगों को लगेगा कि मेरे थ्रोट में हैवीनेस है किन को लगेगा मेरे चेस्ट में है किनको लगेगा मेरे पैरों में है किनको लगेगा बैक में है तो क्या होता है ना जब आप नोटिस करते हैं कि ये इमोशन आपके अंदर ऐसे सेंसेशंस लेकर आ रहा है तो आप अपने थॉट्स के थ्रू वहाँ पे पावर डायरेक्ट कीजिए और अपने आप को बोलिए कि ये जो फीलिंग है ना ये सेंसेशन है ये अच्छी नहीं है ये तकलीफ दे रही है इसको निकालना है इसको निकालते हैं मैं फगिव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ क्योंकि अब अपने आप को रीजंस दीजिए क्यों आपको फगिव करना चाहिए तो जैसे जैसे आप अपने आप को रीजंस देते हैं आपकी विलिंगनेस बढ़ती है आपकी कॉन्शियस लेवल में आप फगिवनेस प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि हाँ फगिव करना है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को रोजाना ये थाट दे रहे हैं कि मुझे क्यों फगिव करना है इनफैक्ट मैं हमेशा मानती हूँ हर किसी को फगिव करना है क्योंकि हर कोई फगीवनेस डिज़र्व करता है हर किसी को फगिव करना चाहिए क्योंकि उसका जीवन फगिवनेस पे डिपेंडेंट है मैं तो यही मानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हो किसी को पूछना नहीं चाहिए क्या प्रॉब्लम है हमेशा पूछना चाहिए कौन प्रॉब्लम है बिकॉज hmm. हमेशा कोई ना कोई इमोशन है जो शायद किसी ने आपको फील कराया hmm. कोई हर्ट है कोई इंसल्ट है कोई डिसरिस्पेक्ट है कुछ तो गलत ऐसा हुआ है जिसमें एक दूसरा इंसान इन्वाल्व होता है क्योंकि हमको लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो अंदर से वो फीलिंग घर कर लेती है और फगीवनेस के थ्रू ही आप उसकी क्लेंजिंग कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं hmm. सो so, ये आपने ऐसा कभी देखा है कि कुछ कुछ लोग थे जो फगीव नहीं कर रहे थे जिसके जैसे उनके फाइनेंशियल कंडीशंस भी या मे बी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में वो अटके हुए थे ऐसा भी कुछ हुआ है मैंने हमेशा देखा है कि फाइनेस और फगीवनेस की बहुत गहरी लिंक है uh, मैंने अपने लाइफ में जब फगीवनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया तब फाइनेंस मेरी प्रायोरिटी उस समय नहीं क्योंकि मेरी मेरी थी क्योंकि मेरी बॉडी मेरी प्रायोरिटी थी क्योंकि बॉडी आप सब जगह लेके जा रहे हैं तो मैंने ये सोचा सबसे पहले तो अपने बॉडी को ठीक करना है तो हेल्थ प्रायोरिटी था फ़िटनेस प्रायोरिटी थी लेकिन मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने फगिवनेस पे काम किया और मैंने ऑलमोस्ट दो से अढ़ाई साल काम किया फगिवनेस पर मैं रोज़ एक और इंसान को अपने लिस्ट में ऐड कर दी जब मैंने इस प्रैक्टिस को शुरू किया मुझे ऐसा लगा चार पाँच लोग हैं लेकिन दो ढाई साल तक मैंने लोगों के नाम ही लिखे लिस्ट में मतलब तो इतने सारे लोग हो गए तो फगीवनेस यानी आपका माइंड भी रेडी हो जाता है फगीव करने को तो आई थिंक वहाँ से जब मेरी भी शुरुआत हुई मैंने नोटिस किया कि फाइनेंसिस ऑटोमेटिकली बेटर हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि पहले नहीं थी तो फाइनेंसिस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाते हैं मेरे एक क्लाइंट थे जो बहुत डेट में थे उनको दो करोड़ का डेट था और जब वो मेरे पास आए उन्होंने कहा कि इतने सारे पैसे हैं लोग फ़ोन कर रहे हैं मैं अपने फ़ोन्स बंद कर दिए हैं क्या मैं सिचुएशन से निकल पाऊँगा तो मैंने सबसे पहले उन्हें यही कहा कि सबसे पहले तो हमें रिलैक्सड होना है माइंड में एक विज़न डालनी है कि हमको इतने पैसे आ गए हैं जितने आने हैं उसे थोड़ा ज़्यादा रखिए माइंड में ताकि हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि सिर्फ हमें ऑब्लिगेशन ही नहीं पे करना है हमें उसे ज़्यादा चाहिए तो इससे थोड़ा प्लेंटी की फीलिंग आती है तो हमने कहा अगर आपको दो करोड़ चाहिए तो आप ऐसा करो कि आप ढाई करोड़ का विज़न रखो अपने लिए और धीरे धीरे करके हमने फगिवनेस क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सपोर्ट किया मेरे भाई ने मुझे नहीं सपोर्ट किया और हर बात में हर कॉन्वर्सेशन यही आता कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्होंने मेरे साथ गलत किया mm -hmm. तो इसीलिए हमने फगेवनेस पे काम किया इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग थे जिन जिन्होंने इनको जिनके लिए पैसे उनके अटके हुए थे और मैंने उनसे एक आप इमेजिन करो कि लोग आपको पैसे देना शुरू कर देंगे mm -hmm. तो रोज रात को वो सोने के पहले इमेजिन करते कि ये लोग मेरे पैसे लौटा रहे हैं एक अच्छी चीज़ हुई दो से तीन हफ्तों में एक कज़न जो इस शहर में भी नहीं रहते थे वो उस शहर में आगे उनसे मिले और ऐसे बात निकली उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ इतने सारे पैसे उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मैं थोड़ा हेल्प कर लूँ तुम्हारा अभी एटलीस्ट तुम्हारा जो अर्जेंट है वो तुम दे सको तो उन्होंने जब मुझसे बात की उन्होंने कहा कि डॉक्टर ये कज़न तो मेरा कभी भी उसने मुझे आकर फ़ोन कॉल भी नहीं किया है ये कहाँ से आकर इसने कहाँ से मुझे ये ऑफ़र दी है तो देखिए कैसे यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाता है आपके लिए द्वार खोलता है क्योंकि समझिए जब नेगेटिविटी आपके अंदर है आपकी इमोशंस ब्लॉक्ड हैं आपकी एनर्जी अंदर स्टैगनेंट है ब्लॉक्ड है जैसे ही वो इमोशन निकलती है क्योंकि दुनिया में कभी भी वैक्यूम नहीं हो सकता है अगर एनर्जी बाहर जाती है तो एनर्जी को अंदर आना है और अगर एक नेगेटिव इमोशन निकलती है तो एक जगह बनाती है एक पॉजिटिव इमोशन के लिए तो इसीलिए लिए फाइनेंस हमेशा इम्प्रूव होते हैं क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो Uh, इस तरह से हमारे लाइफ में आती है कि जब हमारा माइंड क्लियर हो से दिवाली में हम सफाई करते हैं घरों की कि यू you नो know, इस तरह से हम माँ लक्ष्मी को वेलकम करते हैं कि मन साफ़ हो शरीर साफ़ हो घर साफ़ हो तो नेगेटिविटी भी एक तरह की सफ़ाई है जो आप कर रहे हैं अपनी ऑटोमेटिकली yeah. फाइनेंसिस इंप्रूव होते हैं रिश्ते इम्प्रूव होते हैं फाइनेसिस इंप्रूव होते हैं और हेल्थ सीरियस हेल्थ कंडीशनज़ होते हैं जो इम्प्रूव हो सकते हैं मेरे एक क्लाइंट थे जो वन एंड एंड हाफ ईयर्स तक बेड पे थे एक एक्सीडेंट के बाद और बहुत थेरेपीज फ़िजियोथेरेपी करने के बाद भी बहुत उन्होंने ट्राई किया उनकी सर्जरी भी हो चुकी थी वो तो नहीं चल पा रहे थे हमने फगीवनेस पे काम किया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके घर पे हमने कोई सिंपल चेंजेस किए जैसे कि जिस तरह से उनकी चीज़ें रखी थी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड थी उनके रूम में भी चीज़ें बहुत क्लटर्ड थी तो जैसे हमने फिज़िकल इन्वायरमेंट को भी थोड़ा ठीक किया और उनके माइंड को भी धीरे धीरे करके लाइटर करवाया ऑटोमेटिकली जब वो विजुलाइज करने लगे उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी अब तक वो विजुअलाइज कर रहे थे उन्हें कोई फीलिंग नहीं आई अच्छी लेकिन जब उन्होंने फगीवनेस पे काम किया ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर पाऊंगा और धीरे धीरे वो कर पाए राइट right. सो so, मैं कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते तो हम जी. इसमें एक चीज़ पर आ जाते हैं फीलिंग्स पे खैर इसके ऊपर मैं बात करूंगा मुझे लगता है शायद जिस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो मैं yeah. वो क्वेश्चन पूछता हूँ कई बार लोग पूछते हैं अगर किसी को मैनिफेस्टेशन करना है किसी भी चीज़ को तो उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है जैसे फास्ट रिजल्ट मिल सके तो उसमें आप क्या बोलोगे आई थिंक सबसे पहले तो क्लैरिटी hmm. आपको क्या चाहिए क्योंकि hmm. गोल्स अगर गलत होते हैं hmm. तो फिर वो नहीं आपकी कोई हेल्प करेंगे तो अपने आप के साथ बैठिए समझिए आपको क्या चाहिए और रोज़ साइलेंस में बैठिए क्योंकि इससे ना आपको अपने अंदर की विजडम से कनेक्शन मिलेगी देखिए मेरे लिए तो साइलेंट सिटिंग एक लाइफ सेवर हुआ क्योंकि जब मैं बैठना मैंने शुरू कर दिया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी गलत चीज़ों के पीछे भाग रही थी जैसे कि लोगों की वैलिडेशन मुझे मेरे ऐसे भी गोल्स थे कि ये इंसान मुझे अप्रिशिएट करे इस इंसान से मुझे प्यार मिले तब मैंने नोटिस किया ऑब्जर्व किया कि ये तो गलत है मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में कि मैं ऐसी चीज़ें मांगूँ जो दिल से जो पैशन हो मेरे लिए लाइफ में जो शायद मेरे हायर पर्पस का एक यू नो तरीका हो पहुंचना। तो गोल्स अगर सही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन कभी भी कम नहीं होगी सबसे पहले तो ये है दूसरा तो ये सोचिए कि आप अगर टी के सामने बैठे हैं और आपको कुछ ऐसा चैनल दिख गया जो आपको नहीं पसंद आया तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा समझना कि अच्छा मुझे चैनल चेंज करना है तो आप रिमोट लेंगे आप एक बटन प्रेस करेंगे तो अगर आपको गोल पता है तो आप कौन सा चैनल आपको प्रेस करना है आपको पता चलेगा लेकिन अगर आपको गोल है ही नहीं तो फिर आप क्या करेंगे आप यही सोचेंगे कि कुछ भी आ रहा है कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो जो ये स्क्रीन है वो दुनिया है लाइफ है रिमोट जो है हमारा माइंड है और ये जो चैनल प्रेस करना होता है यह आपकी सबकॉन्शियस माइंड से ही प्रेस होता है इसका मतलब नाइन्टी सेवन तक आप जो हैं वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है तो गोल्स पहचानने के बाद आपका ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि आप अपने बिलीव्स पर काम करें आपके क्या ओपिनियंस हैं लाइफ के बारे में ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं डॉक्टर मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं पाँच बार लिखता हूँ पंद्रह बार लिखता हूँ पचास बार ये बोलता हूँ पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है शायद उसकी एक सिंपल वजह है रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप डेस्परेशन से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अंदर एक फीलिंग है कि दुनिया ही अच्छी नहीं है लोग अच्छे नहीं हैं तो अगर ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं क्योंकि आपके बिलीव्स ऐसे हैं तो मैनिफेस्टेशन में रुकावटें हमेशा आएंगी तो हमें ऐसा करना है कि मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक इंस्टेंट रिज़ल्ट या जर्नी की तरह देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सोचो कि सिर्फ गोल नहीं है मेरे लिए मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है इनफैक्ट मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर आता है गोल है इसका मतलब कि अभी आपकी कार्मिक डेट्स की जर्नी भी इम्प्रूव हो जाएगी आपको अपने डेट्स को पे करना है क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है वो आपको इसी अंदर से आई है एक कॉलिंग आई है अंदर से इस डिज़ायर को लेकर क्योंकि शायद यूनिवर्स जानता है इस रास्ते में आपकी एनर्जी क्लीनिंग होगी शायद कुछ ऐसा होगा जिससे आप अपने पास्ट को छोड़कर अपने हायर पर्पस की तरफ जाएं तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन को इसलिए नहीं देखें कि मुझे यहाँ पहुँचना है अच्छी बात है विजन रखना इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट भगवान कृष्ण ने भी इंकरेज ही किया था गोल्स को लेकर नहीं तो वो कहते ना फलेश कदाचना उन्होंने कहा मा फलीशु कदाचना जिसका मतलब ये है कि आप एक्शन लीजिए बट हाँ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एक्शंस को लेकर सही नहीं है रिजल्ट्स को लेकर रिजल्ट्स को लेकर क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डाउट एंड वरी ज़्यादा आएगा hmm. डाउट वरी से फियर ज़्यादा आएगा डर से एंगजाइटी होती है एंगजाइटी से पूरा बॉडी टेंशन में रहता है उससे आप ईज से मतलब जो आपकी स्टेट है जो वेलबींग की एक फीलिंग आती है कि सब ठीक है वो ऑल इज़ वेल फीलिंग से ही आप निकल जाते हो लाइफ में hmm. और फिर जो है आप इन्जॉय नहीं करोगे फिर स्ट्रगल लगेगा गोल्स को पहचानिए बिलीफ सिस्टम्स पे काम कीजिए और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लेट गो करना सीखे इसका मतलब पास्ट का तो आपको लेट गो करना ही है जैसे कि अनफर्गिवनेस हो गया किसी के प्रति गुस्सा घृणा हो गई वो तो आपको उस पर काम करना ही है नहीं तो मैनिफेस्टेशन में आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करके आगे पहुँचेंगे दूसरा लेटिंग गो लेवल है आप इतना अटैच्ड मत हो जाइए अपने गोल से hmm. कि आप रात को सो ना पाए डेस्परेट ना हो जाता। desperate, क्योंकि डेस्परेट क्योंकि मैनिफेस्टेशन मेरे एक्सपीरियंस में कभी भी थॉट में नहीं होता है सपोज मैं अपने गोल के बारे में सोच रही हूँ मैनिफेस्टेशन तभी पावर नहीं गेन करता है मैनिफेस्टेशन हमेशा थॉट्स के गैप्स में होता है जब मैं एक्चुअली थॉटलेस हूँ मैं अपने मैनिफेस्टेशन के पावर को बूस्ट कर रही हूँ इसीलिए साइलेंस में बैठना भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने वाइब्रेशन को रेज करना सो so, एक बार गोल पहचान लिया आपने अपने बिलीफ सिस्टम्स पे लगातार काम करना है एक दिन का काम नहीं है लगातार काम करते रहना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली पास्ट को फगव करना है और ओवर अटैचमेंट अपने गोल से हटाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कीजिए रोज जिससे आपका मूड अच्छा रहे जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़े सेंस और ये सब जब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी रिजल्ट्स भी मिलेंगे बस आपको डेस्परेट भी नहीं होना है जैसे कि देखिए जब आप सरेंडर करेंगे यानी आप इस थॉट को रखेंगे कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है तो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत अच्छी होगी क्योंकि आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे इनफैक्ट लोगों को लगता है सरेंडर करना यानी कि मैं गोली छोड़ दूँ अप कर दूँ बिल्कुल नहीं इनफैक्ट जो सही

एक बेटा रहता है आई थिंक सो दो बेटे होते आई थिंक या एक बेटा ही रहता है बट वहाँ पे आ, फिर अचानक से घोड़ा आता है आई थिंक सो एक जंगली घोड़ा आ जाता है उस बेटा कहीं घूमने जाता है जंगल में उसको एक जंगली घोड़ा मिल जाता है तो वो घोड़ा उसको मिल जाता है तो आजू बाजू वाले आके बोलते हैं कि यार ये तो अच्छा तुमको फ्री फंड में घोड़ा मिल गया तो चाइनीस फ़ामा बोलता है मे बी अच्छा है नहीं है मुझे नहीं पता तो बट गाँव वालों को समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों बोल रहा है बट चले जाता है फिर वो लड़का घोड़े पर ही घूम रहा होता है तो घोड़ा थोड़ा जंगली होता है तो उसको गिरा देता है उसकी टांग टूट जाती है वापिस अभी अभी ये लोग आके बोलते हैं गाँव वाले कि ये तो बुरा हो गया तो बोलता है भी क्या पता सही हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वहाँ पे ये सोल्जर्स आते हैं बेसिकली लड़ाई होने लग जाती है उनके एरिया कहीं पे तो किंगडंग में तो वो सारे गाँव वालों के सब लोगों को लेके जाते हैं बट उसके बेटे को नहीं लेके जाते क्योंकि उसका टांग टूटी हुई रहती है तो वापिस आते हैं वो लोग बोलते हैं कि अच्छा अच्छी तो अच्छा हो गया आपके साथ वो बोलता है अगेन क्या पता सही मे बी सही हुआ नहीं हुआ नहीं पता मैंने थोड़ा सा काटा इस पर लेकिन बात यही है कि उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं इंस्टेंट लोग आते हैं कभी बोलते हैं अच्छा हुआ कभी बोलते हैं बुरा हुआ बट वो बोलते हैं मे भी अच्छा हुआ नहीं हुआ आगे पता चलेगा आई थिंक वो एक स्टेट में रहना भी बहुत अच्छा है ताकि हम आई काइंड ऑफ सरेंडर कर दें हमने यूनिवर्स को जो होगा हम भरोसा रखते हैं यूनिवर्स कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा ही करेगा hmm. इसके ऊपर भी आपने कुछ आपका कुछ एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी स्टोरी है बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि अल्टीमेटली देखा जाए तो यूनिवर्स जो है हमेशा देता है देता है देता है लेता नहीं है इवन कभी कभी जब लगता है ना कि ले रहा है एक्चुअली कुछ बेटर के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है और ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं टूटे रिश्तों के साथ आते हैं कई बार उनके बहुत सीरियस इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स होते हैं और वो आकर यही कहते हैं कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्यों तब मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे इन इमोशंस को निकालने के ऊपर काम करेंगे और अपनी फ्यूचर को लेकर एक स्ट्रॉग विजन हम बनाते हैं कि आपको अभी अभी आपको पता है क्या आपको नहीं चाहिए अच्छी बात है अभी आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान देते हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और जब वो अपने ऊपर ऐसे काम करते हैं मैं उनसे यही कहती हूँ एक ऐसा समय आएगा जब आप मुझे बोलोगे कि थैंक गॉड वो हुआ राइट right. क्योंकि आज ये मच बेटर है राइट right. ये ये कई बार मेरे साथ भी हुआ आपके साथ भी कभी ना hmm. कभी होगा हम जो भी सफ़र प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो टाइम पे लगता है कि सबसे बुरी चीज़ यही है बट कुछ सालों बाद लगता है वही सबसे अच्छी चीज़ अच्छी चीज थी अगर मैं कोई ख़राब घर में रह रहा था जहाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तो वो घर एक मोटिवेशनल फैक्टर बना जिसने मुझे सिखाया कि तुझे कुछ आगे करना है नए घुद के घर खरीदने बट वो टाइम में मुझे लगता है मेरा घर बहुत खराब है आपने भी अपना एग्जाम्पल बताया आपको वेट शायद वो टाइम पर सबसे बुरी चीज़ लगती होगी बट वो नहीं हुआ होता तो आज शायद आप यहाँ पर नहीं होते मैम बिकॉज उसने आपको मोटिवेट किया चेंज लाने में अपने आप को एक्ट कराने में वो बोलते हैं ना जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे अगर हर चीज़ परफेक्ट होने लग जाएगी तो हम तो कुछ करेंगे ही नहीं हम तो फिर और कई बार ये होता है कई सारे लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग जाता है क्योंकि हमारे पास तो अभी करने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है हमारे पास एस्पिरेशंस भी है हमें मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट होता रहता है कुछ ना कुछ खुशी मिलती रहती है बट अगर सबको स्टार्टिंग में मिल जाता तो उसकी वैल्यू भी नहीं हो पाती और ना ही वो ग्रोथ मिल पाती है जो कई बार बिल्कुल और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ़ बिलीव भी तब होगी जब एक्चुअली आप ट्रस्ट करो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है विजडम है चाहे आप यूनिवर्स कहें आप ईश्वर कहें शक्ति कहें जैसे क्वांटम कॉन्टेपिजिस बोलते हैं गॉड पार्टिकल वो तो ये कहते हैं कि कुछ तो ऐसा है जहाँ जहाँ से आपको एनर्जी आ रही है और आपके थ्रू एनर्जी जा रही है बाहर तो मैनिफेस्टेशन को भी ऐसे लें कि मैनिफेस्टेशन आपके साथ नहीं हो रहा है आपके थ्रू हो रहा है और इस एनर्जी का हम कैसे अच्छा यूटिलाइज कर सकें जब हम इस एनर्जी को वैल्यू करना सीखें और इसीलिए मैं अभी भी अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी अपने आप के साथ बैठिए साइलेंस में बैठिए और जैसे ही आप बैठेंगे आपका एक ट्रस्ट डेवलप जैसे कि अगर हम आपस में रोज़ मिले लगातार मिले तो एक बॉन्ड बनता है एक ट्रस्ट डेवलप होता है यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही है अगर आप अपने आप के साथ समय बिताएंगे तो आपको एक कनेक्शन फील होगा और है ना वो जो फेथ आएगी आपका जो विश्वास बिल्ड होगा वो अंडरस्टैंडिंग पे बिल्ड होगा कि सब कुछ एनर्जी है मेरे अंदर भी हो सकती है हम कर पाएंगे तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है विश्वास जो है वो साथ में आने चाहिए फेथ विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं काम करेगा राइट आई थिंक ये बहुत पावरफुल चीज़ आपने बोली जब हम हम जिस चीज़ की वैल्यू करते हैं यूजुअली हम उसके उसको टाइम देते हैं एनर्जी देते हैं हर चीज़ देते हैं तो ये मैंने कहीं तो सु, सु, आ, सुना भी था कि एक्ट लाइक like, ऐसा कुछ तो था कि बेस्ट फ्रेंड के साथ जैसे रहते हो वैसे अपने साथ भी रहना स्टार्ट करो बट उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके मैं ये बोलना चाहूँगा जब हम किसी की वैल्यू करते हैं तो हम उसको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं बट हम अपने आप की वैल्यू नहीं करते हम अपने आप को वो टाइम वो सजेशन वो बातें नहीं बोलते हैं जो बोलना चाहिए हम और आज के टाइम पर तो ये क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मोबाइल ये सारी चीज़ें हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमें अकेले रहने भी डर लगता है कई बार जो मेडिटेट मैं भी मैंने स्टार्टिंग में कई बार मेडिटेट किया तो एक बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है क्योंकि हम इतना यूज हो गए इन्फॉर्मेशन के दूसरे लोगों के साथ कि हमें खुद के साथ वक्त बिताना ही पसंद नहीं आता है बट बात ये है कि जब हम अपने साथ ही वक्त नहीं बिता पाएंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे वहाँ से क्लैरिटी सेल्फ अवेयरनेस मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों दुनिया भर के सेल्फल बुक्स पर मैं पढ़ता हूँ एक चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस आप भी जितनी भी बात बात कर रहे हो जो स्पेंडिंग टाइम अलोन मुझे लगता है वो सेल्फ अवेयरनेस कराने में बहुत हेल्प करता है क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है क्या इमोशंस है क्या नहीं है और वो एट द एंड फिर वो क्लैरिटी भी देता है जो आपने बताया ना अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है जल्दी तो क्लैरिटी होना मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और क्लैरिटी तभी आएगी जब हम अपने आप को वक्त देना स्टार्ट करेंगे जब हम अपने आप से बात करेंगे मे भी सोचेंगे समझेंगे अपने आप को सो दट्स अ वेरी ब्यूटिफुली देखो सब कनेक्ट हो रहा है मैंने बिल्कुल सो so, अब इससे हट के थोड़ा सा एक सुपरफिशियल uh, तो नहीं बट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपको अपनी लाइफ में हो सकता है मैनिफेस्टेशन या इससे आगे आगेन्स्ट भी हो सकता है कौन सी है सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस मिली है किसी ने दिया आपको आई थिंक सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यही है अपने आप को समझना hmm. क्योंकि कई बार मैंने चीज़ें आउट ऑफ ईगो की थी hmm. uh, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे दिखाना है hmm. और तब तब मैंने ठोकर खाई है तो मैंने ये रियलाइज़ कर दिया कि ये सही है कि आपको अपने आप को समझना बेटर है कोई भी चीज़ ईगो से मत कीजिए अब देखिए अगर जैसे आप अब्दुल डॉक्टर अब्दुल कलाम के वीडियोस देखें उनके आर्टिकल्स पढ़ें उनमें बहुत विनम्रता थी और वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आप जो हैं रही ह्यूमिलिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइड हमेशा उसको फॉल आना है तो अगर अपने आप को समझेंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप खुद ही नीचे गिरे तो आई थिंक अपने आप के अंदर झांकना अपने आप को समझ अपने आपकी नीड्स क्या हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो वो क्यों चाहिए क्यों इसीलिए क्योंकि वो आज नंबर वन पे है तो मुझे उसे नीचे लाकर खुद नंबर वन बनना है कोई भी चीज़ करो तो क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर वो वाई क्लियर होता है जो कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद आता है तो मैंने नोटिस किया है कि ज़िंदगी बहुत मीठी कटती है एक फ़ील गुड फैक्टर आता है इनफैक्ट मैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में मैंशन करूँ वो, वो फ्रीडम फाइटर थे अच्छा और जब पार्टीशन हो चुका था तब एक टाइम आया था जब गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया था कि आप पेंशन लो फ्रीडम फाइट क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी सारी ज़िंदगी प्रेजेंट जेल में ही बताई मेरे ग्रैंडफादर भी उनमें से एक थे बट uh, उन्होंने जो भी किया शांति से चुपचाप आई sure एम श्योर ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया लेकिन उनमें से वो एक थे और तब उन्होंने एक बात कही जो अभी भी मुझे बहुत छूती है उन्होंने ये कहा कि मैंने जो किया अपने लिए किया तो मैं क्यों लूँ मैंने अपने लिए किया क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप से कनेक्टेड हैं तो आपके जीवन में शांति है और वो शांति ना आपकी जीवन की जो जर्नी है उसको बहुत मीठी कर देती है वेरी ब्यूटिफुल एन डोड स्टोरी क्लैरिटी होती है तो हम लोग सही कई बार अपने लिए जब चीज़ें करते हैं तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बट यूजअली प्रॉब्लम ये कि हम लोग खुद ही क्लियर नहीं हमें क्या चाहिए इसलिए हम लोग इधर उधर कूदते रहते हैं फोमो होता रहता है राइट ये तो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस भी अब वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको किसी ने दिया है या फिर आपको कहीं से सीखने मिली है जो आपको सही नहीं लगी जरा भी आई hmm. थिंक एक चीज़ जो आई डोंट नो कहाँ से आई लेकिन मेरे अंदर थी कि मुझे किसी भी हाल में फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को करना है इसमें मेरा मेथड इम्पॉर्टेंट नहीं है किस तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं बस मुझे ये करना है तो आई थिंक थोड़ा इंसेंसिटिव हो जाना लोगों के प्रति अब जैसे कि अगर मुझे किसी के सामने अपनी बात रखनी है मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस इंसान के मन में क्या चल रहा है क्या वो रेडी है उस चीज़ को सुनने के लिए और उसमें एक चीज़ आती है कि सच बोलना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है लेकिन कभी कभी जिस तरीके से वो सच कहा जाता है वो बहुत फ़र्क ला सकता है तो आई थिंक वो चीज़ कि यू you नो know, एक्सप्रेस कर लो अपने आप को बोल दो जो मैंने पता नहीं मेरे अंदर था क्योंकि मैंने इतने साल सप्रेस किया था तो जब मैंने ये सुना कि एक्सप्रेस करो एक्सप्रेस करो तो मैंने इतना एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि लोग कहने लगे कि बस करो <laughs> <laughs> तो आई थिंक वो सेंसिटिविटी मिसिंग थी मेरे में hmm. जो भी आप करें सेंसिटिव हुई कोई इंसान सामने वाला अगर आपकी बात नकार रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है तो उनकी मेंटल स्टेट समझ कर आप बात रखिए सही समय पर बात रखिए सिर्फ आपकी बात रखना इम्पोर्टेंट नहीं है सही समय पर सही बात रखेंगे तो दोनों का फायदा है आई थिंक यही है ना एक स्मार्टनेस और विजडम का डिफरेंस होता है कई बार ना स्मार्टनेस इज़ कि आपको क्या किस चीज़ पे क्या जवाब देना चाहिए बट विजडम इज़ क्या वो आपको जवाब देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए वक्त होता है हर चीज़ का मैंने मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करा है कई बार मुझे लगता नहीं ये गलत करा इसको अभी बोलना चाहिए और मैं बोलता मैं भी, भी करता हूँ ऐसा नहीं अभी मैं पूरा विजडम अचीव कर चुका हूँ बट मैंने रियलाइज़ किया ये चीज़ सीखी है कि कई बार आपको चुप रहना जरूरी है और सही वक्त पर सही चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कई बार हम सिर्फ बोलते हैं बोलने के लिए और वो बोल दिए वो मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ लेकिन वो समझा समझेगा नहीं क्योंकि अगर मैं वो आग्री है या कुछ भी है जी बट जब वो रिसेप्टिव है तब आप बात करो तो आई थिंक तब ज़्यादा फायदा होगा दोनों के लिए जी और आई थिंक एक चीज़ अगर ध्यान में रखें कि आप जो भी बोलते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि आप किसी और के लिए बोल रहे हैं अगर आप गुस्से में भी किसी को कुछ बोल रहे हैं क्योंकि आपको अपनी बात रखनी है तो वो आपके अगेंस्ट ही ये चीज़ों को रख रहा है क्योंकि उसे नहीं पता आप किसी और के बारे में बात करें किसी और की तो आइडेंटिटी आपके कॉन्शियसनेस में है ही नहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको जानता है तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम बेवकूफ़ हो तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो तुम चीटर हो सबकॉन्शियस माइंड ये सब इमोशंस आपके पास्ट से आपके लिए ट्रिगर कर रहा है तो नुकसान आप ही का है तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर प्रॉब्लम क्रिएट करती है फिर वापस से क्या होता है आपकी ही नेगेटिव चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं और जब तक ये आप नेगेटिव चीज़ों को फिर हैंडल नहीं करेंगे आपके बॉडी में स्ट्रेस होगा जितना प्रोलॉन्ग होगा ये स्ट्रेस आपके ही बॉडी में हेल्थ इशू के तौर पर आएगा तो इसीलिए ये एक्चुअली चीज़ जो है ना वो बहुत लाइफ सेवर बन सकती है हमारी अगर हम अच्छी तरह से चीज़ों को अपनी बात अच्छी तरह से रखें एक टोन ध्यान में रखें कि आपकी पिच इतनी ऊपर नहीं हो आपका वॉइस जो है आप इतना चिल्ला चला कर ना बोलो सही बात बोल रहे हैं चिल्लाकर कर बोल रहे हैं सही नहीं है क्योंकि ये ध्यान रखिए और जब से यू you नो know, मैंने इस चीज़ का एहसास किया बहुत फ़र्क पड़ गया मैंने ये नोटिस किया कि जब भी मैं गुस्से में कुछ बोल रही हूँ या जस्ट अपनी बात रखने के लिए बोल रही हूँ बिना सेंसिटिव हुए कि एक दूसरा इंसान समझ रहा है नहीं समझ रहा है क्या फील कर रहा है तो मेरे बॉडी ना मुझे ऐसा लगता कि शिवर हो रही है मेरे अंदर इमिजिएटली वो मुझे वाइब्रेशन फील होता और जब मैंने इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझा सीखा तब मैंने इस बात का और एक्सपीरियंस किया कि मैं अपने अंदर के बच्चे को डरा रही हूँ वो डर रहा है वो और सप्रेस हो रहा है अब वो जितना और सप्रेस होगा उतना वो मुझे और नेगेटिव थाट्स देगा कौन से थाट्स गलत थाट्स तुम्हें ये करना चाहिए तुम्हें वो करना चाहिए ये तुम्हारे लिए सही है जबकि शायद वो मेरे लिए सही नहीं है तो लोग क्यों गलत चीज़ों में पढ़ते हैं क्योंकि उनका माइंड उन्हें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा क्योंकि उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपकी कॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए एक मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे को समझें एंड सपोर्ट करें अगर वो बिगड़ रहा है तो जैसे होता है ना दो लोग लड़ रहे हैं आपस में तो ये लड़ाई सी चालू हो जाती है जो कि आपकी क्लैरिटी को अफ़ेक्ट करती है मतलब आप गलत चीज़ें करोगे अब अगेन वही बातें कितनी सिंपल होती है बट वही चीज़ों को अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार जैसे हमने अगेन ये वर्ड्स की बातें की है ये सारी चीज़ का तोड़ यही है कि हम सही वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करें और आज आपने जो स्टार्टिंग में चीज़ें बोली थी आई थिंक वो सारी चीज़ों से हम सब चीज़ों को कम कर सकते हैं ये लड़ाइयों को ये परेशानियों को राइट एब्सोल्यूटली आई थिंक अवेयरनेस से शुरू करके आप अपने आप को पॉजिटिव थाट्स भी रोज़ दीजिए अब जैसे कि अगर मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है तो मुझे अपने आप को उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी देना है अब जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये समझती हूँ कि यू you नो know, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ सही तरीके से तो मुझे ये बोलना शुरू कर देना चाहिए कि मैं अपने आप को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्रेस करती हूँ सही तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ जब मैं अपने आप को ये थाट देती हूँ स्पेशली सुबह उठने के बाद सोने के पहले तो एक नई प्रोग्रामिंग सी डेवलप हो जाती है और ब्रेन के अंदर एक इनहेरेंट मैकेजम है जब आप कोई चीज को फोकस देते हो तो आपसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी निकल रही है वो ऑटोमेटिकली ना निकल कर एक फॉर्म लेकर आपकी लाइफ में वापस आती है तो आप उसको फॉर्म दे रहे हैं क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं तो आप अगर इस थॉट पे फोकस करते हैं जो कि एक जनरल थॉट नहीं हुआ जनरल थॉट हो गया आज का दिन बहुत अच्छा है सब अच्छे हैं आपने अपने नेगेटिव ओपिनियन को पकड़ के उसको रिवर्स करके अपने आप को दिया अगर ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं कि आ, सब कुछ अच्छा है आज का दिन अच्छा है सब मुझसे प्यार करते हैं लेकिन अगर वो इंसान समझे कि उसके अंदर एक बिलीफ है कि ये दुनिया अच्छी दुनिया नहीं है लोग जो है सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं तो उसको इस थाट को रिवर्स करके अपने आप को देना चाहिए इस थाट का रिवर्स ये होगा कि दुनिया जो है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरे जीवन में लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ये खूबसूरत दुनिया है तो अब जब वो ये थॉट अपने आप को देगा या देगी सबकॉन्शियस माइंड चैलेंज करेगा क्या ये सही है या वो फीलिंग सही है कि दुनिया बुरी है अब वो क्या करेगा आपको ऑब्जर्व करेगा कौन से थॉट को आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं दिन में और जब वो ये नोटिस करेगा कि आप इस थॉट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है वो आपकी रियलिटी को इस थॉट की एनर्जी से मैच करना शुरू कर देगा कुछ ऐसा होगा जिससे आपको फीलिंग आएगी अरे इंसान ने तो बहुत अच्छा किया मेरे साथ ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ तो धीरे धीरे करके देखिए आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट लाया तो सही चीज़ों को अगर दोहराना है तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं क्या नेगेटिव ओपिनियंस और बिलीव्स हैं और उनको कन्वर्ट करके उन थाट्स को अपने आप को दीजिए राइट right. इसके ऊपर वो एक, एक और कहानी मुझे याद आ गई मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था वुल्फ फीडिंग द वुल्फ्स था कि दो वुल्फ्स होते हैं हमारी लाइफ में हमेशा एक सारी नेगेटिव चीज़ें खाता रहता है एक पॉजिटिव चीज़ें खाता रहता है तो किसी ने उससे आदमी से पूछा आई थिंक कि कौन सा वुल्फ जीतता है तो बोला वही वुल्फ जीतेगा जिसे आप ज़्यादा खिलाओगे तो अगर क्रक्स मेरे हिसाब से यही निकल कि अगर हम रेगुलरली अपने नेगेटिव वुल्फ को खिलाते जाएंगे कि हाँ दुनिया बुरी है ये खराब है सब खराब है मैं खराब हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं कर सकती मैं जितना आप अपने उस वुल्फ को जो वुल्फ को खिलाओगे वो वुल्फ स्ट्रांग होगा और वो जीतेगा वही आपको भी खा जाएगा बिल्कुल तो बेटर कि हम अपने पॉजिटिव वाले वुल्फ को खिलाएं जिसके ऊपर हम राइड करके हमें भी अपने गोल्स तक बहुत सही बिल्कुल एंड आई थिंक अगर इंसान स्टक सपोजिंग कोई कहता है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या है मेरे अंदर बिलीव्स ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो एक सिंपल सी टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करती है कि आपका राइट right साइड जो ब्रेन ब्रेन एक है बट लेफ्ट और राइट हेमोसफेयर होती है राइट right साइड आपका इमेजिनेशन का साइड है क्रिएटिविटी का साइड है इंट्यूशन का साइड है तो अगर आप कभी भी स्टक हैं आपको थाट्स नहीं आ रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपके अंदर क्या चल रहा है बहुत कन्फ्यूजन है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को एक्टिवेट कीजिए पेन को लेफ्ट हैंड में पकड़ के देखिए और एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या चल रहा है मेरे अंदर क्या बिलीव्स हैं मेरे मेरे क्या ओपिनियंस हैं कौन से मेंटल ब्लॉकेजेस हैं मेरे अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ इस गोल को लेकर क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर तो आप नोटिस करो आप भी पूछो तो कोई ना कोई आंसर्स आते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पिक्चर्स और इमेज़ में काम करता है राइट और फीलिंग का माइंड है कॉन्शियस माइंड जो है थिंकिंग माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग माइंड है तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्टिवेट करते हो और अपनी जो क्रिएटिव साइड है उसको भी आप बूस्ट करते हो जिससे आपकी ना माइंड थोड़ी खुल जाती है सबकॉन्शियस माइंड जैसे खुलने लगता है और आपके साथ वो कॉन्वर्स करना आपको वो आंसर्स देना शुरू कर देता है अगर किसी की कुछ बुरी आदतें बन चुकी है तो आपने काइंड kind ऑफ of बताया है बट मैं स्टिल रिपीट करना चाहूँगा ये क्वेश्चन okay. क्योंकि कई बार मेरे को भी आता है ये चीज़ कि अगर कुछ बुरी आदतें बन गई आई थिंक कुछ भी हो सकती हो आप कोई भी एक एग्जाम्पल कि भी बता सकते हैं वो बुरी आदतों को थोड़ा कैसे जाए सबसे पहले तो अपने आप के साथ बहुत पेशेंट होना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों को आदतें हैं वो अपने आप से बहुत खफा हैं कि मैं मैं क्यों इसमें हूँ या मैं नहीं निकल पा रहा तो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे से बात करेगी आपको अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है आप तो चाहते हैं इससे निकलना लेकिन क्यों नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि एक फ़ीलिंग आती है और आप उसमें बहकर ये काम करने लगते हैं तो आपको इनर चाइल्ड अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ सबसे पहले तो बहुत पेशेंट होना पड़ेगा उसको आपको समझना पड़ेगा उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है जब भी आप कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे आपको तकलीफ हो आपने ये नोटिस किया कि मैंने ये वापस कर लिया मुझे नहीं करना था hmm. सपोजिंग मैं नहीं उठ पाया सुबह आज भी मैं लेट उठा राइट right? या मैंने ये खा लिया मुझे नहीं खाना था hmm. तो फिर अपने आप को बोलिए आज हो गया अभी हो गया नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे हम बेटर करेंगे नेक्स्ट टाइम तो आप सबसे पहले तो एक एम्पावरिंग पेरेंट बन जाइए आप सोचिए जब हम बचपन में छोटे थे अगर कोई हमको कॉन्स्टेंटली इस तरह एम्पावर करता कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो आज गड़बड़ होगी अगली बार नहीं होगी हम कर लेंगे तो आप जो है ना एक सपोर्टिव पेरेंट बनते यहाँ पे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो हमारे और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच है अगर हम उस पर काम करेंगे तो आप अपने आप को सपोर्ट करें सबसे पहले तो क्योंकि मिस्टेक्स होंगे आपको समझना पड़ेगा जो नई हैबिट है वो हैबिट सिर्फ तभी फॉर्म होगी जब एक पुरानी हैबिट को हम धीरे धीरे करके रिप्लेस करें तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे करके कम होगी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी इमेज बदलेगी तब आपकी रियलिटी में चेंजेस आएंगे तो थोड़ा पेशेंट बनिए सबसे पहले नंबर वन स्टेप ये हो जाता है दूसरा तो इस आदत को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं वो रीजंस अपने आप को रोज दीजिए मतलब ये आदत आपको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रही है अपने लाइफ को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रही है अपने आप को वो रोज़ाना दीजिए इससे होता यह है कि आप अपने आप को ही कन्विंस कर रहे हैं तो ये आप जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड समझेगा क्योंकि वो तो सब कुछ लेता है वो रिजेक्ट कर ही नहीं पाता तो ये सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तीसरी चीज़ जो आपको नई आदत इसके बदले में आपको एक नई आदत जो बनानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लो है लोग कहते हैं आदत छोड़नी है इसके बदले में कौन सी आदत आपको अपनानी है अगर आपके माइंड में वो आदत क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है क्योंकि एनर्जी सिर्फ निकालना काफ़ी नहीं है जो एनर्जी आप लेकर आना चाहते हैं उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक स्टेटमेंट बनाइए कि मैं बहुत खुश हूँ ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ अब सपोजिंग सुबह लेट उठ रहे हैं तो उसके बदले क्या करना है जल्दी उठना है तो मैं बहुत हैप्पी और ग्रेटफुल हूँ कि आज मैं खुशी से सुबह जल्दी उठ रहा हूँ और इस थाट को आपकी विजन बनाना है तो ये थॉट अपने आप को रोज दीजिए लिख लीजिए स्पेशली जहाँ पे एडिक्शंस की बात आती है जहाँ पे डीप रूटेड इमोशंस की बात आती है जहाँ पे हैबिट्स की बात आती है लिखना बहुत हेल्पफुल होता है लोगों के लिए क्योंकि जब वो लिखते हैं तब वो लिखने में फोकस कर रहे हैं जब वो माइंड में बोलते हैं अमूब से बोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद बोलते हैं कि यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ लेकिन जब आप लिखते हो क्योंकि ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है तो लिखना बहुत इफेक्टिव होता है ऐसे में लिखिए स्टेटमेंट को रोज़ पाँच दस मिनट के लिए रोज़ लिखिए नेक्स्ट चीज़ आप इस आदत को हटाने के लिए कौन से दो या तीन एक्शन स्टेप्स दिन में लेना चाहते हैं अपने डेस्क पे अपने वॉल पे चिपका दीजिए लिख के कि ये दो से तीन चीज़ें ये मैं करूँगा जिससे मेरी ये हैबिट जाने में मेरी हेल्प हो जाएगी तो ये अपने सामने आपकी टू डू लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए जैसे कि कोई कहेगा कि मैं रात को एक घंटे जल्दी सोना चाहता हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ तो ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए मैं मोबाइल को दो घंटे तक नहीं देखूँगा रात में वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए मैं कुछ दस मिनट इंस्परेशनल पढ़ूंगा जिससे मुझे वो फीलिंग आए कि मुझे करना है वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए तो जो आपको एक्शन स्टेप्स लेने हैं उसकी आप एक सूची बनाइए लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को अपने सामने रखिए अब होता क्या है कुछ दिनों तक इंसान नहीं करेगा क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड यूज टू नहीं है बट धीरे धीरे करके देखकर कर सबकॉन्शियस माइंड फेमिलियर हो जाता है okay. और उसको फायदा लगने लगता है ओके

पाँच मिनट अपने साथ बैठना है ऐसे ही स्माइल करते हुए तो आप नोटिस करोगे कि कैसे ना आपका भी मन होता है कि मैं उठूँ मैं कुछ अच्छा करूँ और वो बहुत पॉजिटिव चेंज ला सके इनफैक्ट इतने सारे लेडीज़ हैं जो मेरे पास आते हैं क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं और मैंने ये देखा है कि बॉडी जानता है क्या करना चाहिए कंसीविंग के लिए लेकिन क्योंकि वो टेंशन में होते हैं ये चीज़ नहीं हो पाती है तो जब सुबह मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने हाथों को खोलिए अपने हथेलियों को देखिए और आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव थाट दीजिए कि मेरे बॉडी को पता है क्या करना चाहिए और आप इस थाट को पकड़ के स्माइल कीजिए दो तीन मिनट तक टेंशन निकलना शुरू हो जाता है उनको एक कॉन्फिडेंस आता है तो नेगेटिव हैबिट को भी रिप्लेस करना है तो सुबह सुबह अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए अपने साथ बैठिए और टेंशन रिलीज करने के लिए यू नो आर्म्स को वाइड स्प्रेड कीजिए डीप ब्रीदिंग कीजिए

तो सुबह सुबह इतना आपको छोटा सुकोड़ने के बजाय एक कि आप हारे हुए इंसान हो ट्राई करो कि एक्ट एज अ विनर एक एक और बुक है जॉर्डन पीटरसन की है टूल्व रूल्स फॉर लाइफ तो उनका जो पहला रूल ऑफ लाइफ है कि स्टैंड स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक तो ये चीज़ उसके ऊपर कई सारे रिसर्च भी उन्होंने उस बुक में बताई है लॉबस्टर्स के ऊपर कि जो लॉबस्टर्स जीतते हैं वो लोग ऐसे ही रहते हैं आ, तो आई थिंक ये ये एक्सरसाइज भी है दो मिनट की एक्सरसाइज और ये मैंने पर्सनली भी बहुत बार ट्राई किया कि अगर मैं कभी स्टेज पे जा रहा हूँ और मुझे बातें करनी है और डर लग रहा है तो पावर पोज कर लो दो मिनट के लिए अब पावर पोज ये अपना सुपरमैन पोज भी कर सकते हो ऐसा करो बट ट्राई टू टेक एज मच स्पेस एज पॉसिबल और ये आप अकेले भी कर सकते हो बाथरूम में भी कर सकते हो उन्होंने यही बोला था कि आप बाथरूम में चले जाओ अकेले रहो ऐसा

जैसे कि आप डिजर्विंग है उस गोल की और जैसे कि ये गोल आपके रीच में है जैसे कि आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं आपके लिए है तो वर्ड्स तो आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर आप इस तरह से सोचें कि अगर आपने अपना गोल एक्चुअली अचीव कर लिया तो वो इंसान आप जब वो इंसान बन जाएंगे आप कैसे सोचेंगे आप कैसे चलेंगे आप कैसे बैठेंगे तो वो आपके माइंड में थॉट्स लाना आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट right. आपने कई सारी चीज़ें जो बोली उसमें एन का भी थोड़ा बहुत क्रक्स आ रहा है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ

तो पुनः oh. पुनो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि दो बार आता है hmm. तो पुनोपुनो पुनो का मतलब है चेंज करेक्ट ट्रांसफॉर्म और हो टू सो टू चेंज इंग्लिश में इसका मतलब है टू चेंज यानी कुछ बदलना कुछ चेंज करना okay. कुछ ट्रांसफॉर्म करना oh. और हो पुनोपिनो की मैं बात इसलिए की क्योंकि इसमें जो हम समझते हैं कि आप कोई भी चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है जिस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ रहते हैं वो एक्जैक्टली exactly आपकी लाइफ को डिटर्मिन कर रहा है आपके रिज़ल्ट को लेके आ रहा है अच्छा और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पावरफुल है क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं हमारे जो स्क्रिप्चर्स uh, हैं वो भी हमें यही एहसास uh, दिलाते हैं इनक्रेज करते हैं समझना कि आपको अपने अंदर झांक कर अपने आप से ये पूछना है कि ऐसा क्या है जिसको आपको निकालने की ज़रूरत है तो सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे मेमोरीज होते हैं और हो पुनोपनो एक ऐसी सिंपल टेक्निक और फिलोसफी है जो इंकरेज करती है कि आप जो भी प्रॉब्लम हो ये समझो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्प मांग रहा है आपसे और ये एक ऑपरचुनिटी है आपको अपने ही पास्ट को क्लेंस करने की hmm, nice. तो हो पुनोपनो का अगर मैं कहूँ कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका नाम हाँ, हाँ, और मैंने कई चीज़ें सुनी होनी पोनी पॉकी ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी है <laughs> <laughs> बत, <laughs> बत उसका मतलब यही है कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ है ना यूनिवर्स में जैसे कि फर्गिवनेस हो गया ग्रैटिट्यूड हो गया रिपेंटेंस यानी एक्चुअल पछतावा जिससे हम कहते हैं ना अगर पछतावा सही हो तो भगवान की भी अनुग्रह ग्रेस आ जाती है तो पछतावा रिपेंटेंस जो होता है अपने पास्ट को लेकर वो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है जिससे आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस और एक्शंस ले सकते हैं लाइफ में चौथी एनर्जी होगी फर्गिवनेस की जिसका Uh, एक सिंपल है मीनिंग कि आप जब फर्गिव करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ना ग्रैटिट्यूड यानी अप्रिसिएट कर सकते हैं लाइफ को तो ग्रैटिट्यूड फर्गिवनेस रिपेंटेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी ऑफ लव ये चार जब एक साथ आ जाते हैं इनफैक्ट हम ये भी समझते हैं कि फर्गिवनेस से भी एक्चुअली लव आता है फर्गिवनेस से ग्रैटिट्यूड आता है बट सबसे पहला स्टेप जो होता है वो रिपेंटेंस यानी आपको कुछ तो पछतावा होना चाहिए तो क्यों होता है पछतावा क्योंकि हो सकता है आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हो पुनः पुनः हमें यही समझा रहा है एक जो टेक्निक है हमें इंकरेज करती है कि आप किसी को ब्लेम ना करें कुछ भी हो अगर प्रॉब्लम है तो आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव मेमरीज चल रही हैं जैसे कि स्क्रीन है और स्क्रीन पर जो भी चल रहा है शायद आपके माइंड में अभी वो मेमरीज चल रही हैं जो आपकी लाइफ में आपको रोक रही है आपको ब्लॉक कर रही हैं किसी चीज़ को लेकर तो यही पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस है जो होप एन ओपनो में हम करते हैं आपको कब इसके बारे में सबसे पहले पता चला था और आपने इसको पर्सनली यूज़ किया है लाइफ में बिल्कुल इनफैक्ट मुझे होप एन ओपनो के बारे में काफ़ी जल्दी पता चला था इनफैक्ट मैंने होप अन ओपनो सीखाना भी बहुत आई थिंक ऑलमोस्ट दस साल हो गए हैं मुझे जब मैंने होप एन ओपनो सीखाना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने मुझे होपन ओपनो से इंट्रोड्यूस कराया था अच्छा और उस समय जो वाइटैली की एक सेमिनार थी जो उन्होंने एक थेरेपिस्ट के साथ की थी वो सेमिनार भी ऑफ कोर्स हमें सुनने में आई उस सेमिनार के बारे में भी और जो वाइटैले जो हैं उन्होंने इसके बारे में एक बुक रिलीज़ की थी और जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं काफ़ी कुछ रिलेट कर सकी इसका मतलब कि यू नो दूसरों को ब्लेम करना स्पेशली जब आपको लगता है कि ये चीज़ तभी होगी जब दूसरा इंसान चेंज हो जाए जब तक वो नहीं चेंज होगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकेगी इनफैक्ट अगर आप रास्ते में किसी को देखते हैं और आपको उनको देख बुरा लगता है ओपन ओपनों में तो हम यही समझते हैं कि वो भी क्यों हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके साथ कुछ मेमोरीज को एनर्जी को शेयर करते हैं इसीलिए वो इंसान भी आपके लाइफ में आया है तो एक थेरेपिस्ट की स्टोरी है कि उन्होंने एक हवाई स्टेट हॉस्पिटल में एक वार्ड था जिसमें मेंटली इल क्रिमिनल्स थे अच्छा और उस वार्ड में उन्हें ये असाइनमेंट दिया गया कि आप इन लोगों को हील करो उन्होंने इंटरेस्टिंग क्या किया वो एक अलग रूम में बैठते थे उन्होंने पेशेंट्स को कभी भी नहीं देखा ना उनके पास गए लेकिन तीन से चार महीने में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लगे तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं हो ओपन ओपनो कर रहा हूँ इसका मतलब कि मैं अपने आप को ऑटोमेटिकली अपनी फीलिंग्स को अक्नोलेज करते हुए अपनी फीलिंग्स पर क्लिनिंग करने की परमिशन दे रहा हूँ तो वो क्या करते सपोजिंग ये पेशेंट्स हैं उनके फाइल्स उनके पास आते उनके फाइल्स को फ़ोटोज़ को देखते उनकी हिस्ट्री पढ़ते और उनके अंदर जो फीलिंग आती है उस इंसान के बारे में पढ़ के ऑटोमेटिकली वो अपने आप को कहते कि ये फीलिंग आ रही है मेरे अंदर से इसका मतलब मेरे अंदर कोई तो मेमोरी चल रही है शायद हम जुड़े हुए हैं एक साथ तो वो उस फीलिंग को निकालने क्योंकि हमारे अंदर अगर फीलिंग आ रही है इसका मतलब हमें उस फीलिंग को निकालना चाहिए अगर वो नेगेटिव नेचर की है अगर कोई अच्छी फीलिंग आ रही है तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए लेकिन अगर गुस्सा आता है अगर दुख फील होता है बुरा लगता है अगर आपको हेल्पलेसनेस फील हो रही है लाचारी महसूस हो रही है तो कही न कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ तो गलत चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो उन्होंने क्या करना शुरू किया उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू कर दिया वो ये कहते कि आई एम सॉरी मैं नहीं जानता ये फीलिंग कहाँ से आई है बट इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट इनर चाइल्ड से बात जो कि मैंने फोटो के बारे में भी बताया आपको यही करते प्लीज़ फर गिव मी अपने आप से कहते कि मैं नहीं जानता ये जो फीलिंग्स हैं ये कहाँ से आई हैं लेकिन मैं अभी इनको निकालना चाहता हूँ तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते लेट गो करते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तक शायद मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे अंदर ये सब कुछ चल रहा है लेकिन अभी हमें इसको निकालना है और एक स्टेटमेंट है जो होपन ओपन में क्लीनिंग वर्ड्स माने जाते हैं आई लव यू तो वो ये कहते आई लव यू अपने आप से कहना क्योंकि सेल्फ़ लव की कमी जो है वो लाइफ में हमें हमेशा नेगेटिव सर्कम्स्टेंसेज में और प्रॉब्लम्स में जकड़े रखती है तो सेल्फ़ लव की कॉन्सेप्ट भी होपनोपनो में बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने आप को जब आप लव देते हैं तो आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होती है आपके अंदर जो भी था इंक्लूडिंग ये पेशेंट आपकी लाइफ में है ना आज ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जैसे वो बेटर फील होना शुरू होते गए ये वार्ड भी हील होता गया इनफैक्ट In इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक से डेढ़ साल के अंदर वो वार्ड शट हो गया अच्छा क्योंकि जो एक दो पेशेंट्स बाकी थे वो भी डिस्चार्ज हो गया और ये सिर्फ अपना आप रहा था मतलब वो अपने सिर्फ अपने आप को सही कर है और बाकी लोग होते जा रहे थे करते एक्चुअली ना देखा जाए तो ये जो मेटाफिजिक्स में भी जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सेल्फ हीलिंग फॉर हीलिंग एनी सेल्फ हीलिंग करो किसी भी चीज़ को हील करना है किसी दूसरे इंसान को हील करना है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो क्योंकि अगर आपको किसी और के लिए बुरा लग रहा है इसका मतलब वो इंसान और आप कुछ एनर्जी को शेयर कर रहे हैं अब जैसे कि ऋषान जी सपोजिंग ये बॉटल है और हम दोनों इस बॉटल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हु? अगर मैं पकड़ूं और आप पकड़ने की कोशिश करें मैं छीनूं आप छीनें लेकिन जैसे ही मैं इस बॉटल को छोड़ देती हूं, चांस है कि आप भी छोड़ देंगे क्योंकि अभी कोई फाइट है ही नहीं ना कोई गेम है ही नहीं ये बॉटल समझो एनर्जी है अगर मैं अपने ऊपर काम करूं और मेरे इंसान में कोई लाइफ है जिसको हेल्प की ज़रूरत है अगर मैं अपने ऊपर मेरे अपनी एनर्जी पर काम करूं मैं हील हो जाऊं मेरी फीलिंग जो है वो निकल जाए नेगेटिव तो आप भी बेटर फील करेंगे इनफैक्ट इसी लिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं आप किसी दोस्त के लिए कर सकते हैं या आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने सीखी है ओपन ओपनों में कि कभी भी अपने आप को डिपेंडेंट फील मत करो किसी और पे एज अ कोच एंड एज अ थेरेपिस्ट मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी कोई मेरे पास आता है टॉपिक को समझे थियोरी को समझे टेक्निक समझें बट फिर खुद प्रैक्टिस कीजिए ये मत सोचिए कि आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा हीलिंग के लिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है सेल्फ हीलिंग तो हमेशा ये याद रखिए कि हीलिंग आपके थ्रू हो सकती है और कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी आप सीखिए समझिए बट फिर खुद से प्रैक्टिस आपको करना है अपने ऊपर कर अपने ऊपर करना है जो भी प्रॉब्लम है जॉब की सिचुएशन सही नहीं है इकॉनमी सही नहीं जा रही है जो भी प्रॉब्लम है वर्क आप क्लीन करो राइट मुझे याद है बहुत सालों पहले जब मैंने टेस्ट करी थी ओपन ओपनो को मेरे घर के बाहर एक कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था और वो इतना लाउड था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती इनफैक्ट मुझे ऐसा गुस्सा लगता कि आसपास बहुत चिड़चिड़ापन लगता जब मैंने होपन ओपनो करना चालू किया मैंने अपने आप को कहा कि ये जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है चिड़चिड़ा फील हो रहा है मुझे इसको लेट गो करना है तो मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्लीज़ लेट गो प्लीज़ लेट गो प्लीज़ लेट गो एंड मैंने अपने आप से कहना शुरू किया कि मैं नहीं जानती ये फीलिंग कहाँ से आई है शायद आई है कहीं से भी बट आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ उसकी आप विश्वास नहीं करेंगे आवाज़ तो वैसे के वैसे ही था लेकिन मुझे कुछ मिनटों में नींद आ गई अच्छा और उसके बाद जब भी मुझे वो ट्रिगर फील होता इरिटेट होता मैंने होपनो अपना करना शुरू किया और आसपास आवाज़ उतना ही था लेकिन मैं बॉदर होना बंद हो गई तो एक छोटी सी चीज़ थी जिससे मुझे फील हुआ कि ये छोटी चीज़ में काम कर सकती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में काम कर सकती है इनफैक्ट एंसेस्ट्रल क्लीनिंग भी हम करते हैं ओपन ओपन हो सकता है आपके परिवार में कोई हो जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ हो शायद उनकी कुछ ऐसी विशेष थी जो इनकम्प्लीट रह गई कई बार हमने देखा है कि अगर आपके परिवार में से शायद आपके पूर्वजों में भी कोई पिछले जनरेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आज आपके लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स लगातार आएँ है। पैटर्न्स हैं जो फैमिली से फैमिली जनरेशन से जनरेशन चलती आती हैं तो और ये हम मेटाफिजिक्स में भी स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी देखते हैं कि इनफैक्ट हम एक पूरा मंथ डेडिकेट करते हैं पूर्वजों के लिए राइट जो हम नॉर्मली करते हैं इंडिया में कि वो कहते हैं कि अपने एनसेस्टर्स के लिए प्रे करो उनकी आत्मा को शांति मिले हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अगर वो खुश नहीं हैं वो आज़ाद नहीं हैं कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि वो हमारे थ्रू फ्रीडम पाना चाहते हैं hmm. तो हो पुनोपनों में एंसेस्ट्रल वर्शिप और एंसेस्ट्रल की क्लीनिंग भी बहुत करते हैं अगेन सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग hmm. चीज़ है ये तो सो so, आज की इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कैसे हम ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम डेली अप्लाई करना स्टार्ट कर दें मे बी जैसे कि सुबह में उठने के आपने एक बताया था ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली व्यूवर्स कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ आई थिंक एक बहुत वैल्यूबल चीज़ होगी कि आप हाँ हर दो से तीन घंटे ब्रेक लो जो भी काम कर रहे हो ना ब्रेक लेना ज़रूरी है दो मिनट शांति से बैठिए और अपने आप से पूछिए मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ मैं कैसे फील कर रही हूँ बिकॉज इससे आप इमीजिएटली कनेक्ट हो जाएंगे अपनी वाइब्रेशन से बिकॉज हम इतने बिजी रहते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है तो थोड़ा पॉज कीजिए एक से दो मिनट थोड़ा रिलैक्स कीजिए डीप ब्रीदिंग कीजिए अपने आप से पूछिए हाउ एम आई फीलिंग और अगर वो आंसर आता है कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा तो इमिजिएटली अपने आप को याद दिलाइए अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है बट ऐसा नहीं फील करना है ना आगे इसके बजाय कैसे फील करना है अच्छा फील करना है इंपॉर्टेंट फील करना है वर्दी फील करना है सक्सेसफुल फील करना है अब देखिए आपने कैसे एक नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें बहुत रियलिस्टिक भी हो जाता है बिकॉज़ कई बार एफोमोशन्स बोलते हैं लोग वो ये लगता है कि ये तो सच नहीं है मैं क्यों अपने आप को बोलूँ मुझे ऑलरेडी है लेकिन ये टेक्निक से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलता है क्योंकि वो नेगेटिव को बहुत आसानी से एक पॉजिटिव पे खुद लेके जाते हैं अपने आप को रिमाइंड करके कि ऐसा तो नहीं फील करना है ना इसके बदले कैसा फील करना है तो सबकॉन्शियस माइंड को आप ही एक डायरेक्शन दे रहे हैं और बिना फोर्स के किसी चीज़ को पचास हज़ार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कभी कभी दस बार अच्छे से बोला कॉन्सेंट्रेशन के साथ बोला तो बहुत फ़ायदा होता है तो ये एक चीज़ है जिससे ये लोग कनेक्टेड रह सकते हैं अपने वाइब्रेशन से दूसरी चीज़ आपके दिन के एंड में जैसे ही आप अपने दिन को एंड कर रहे हैं अंत में आप अपने दिन को ज़रूर देखिए आपका दिन कैसा गया आपने क्या क्या किया एक रिव्यू कर दीजिए अपने दिन का एक से दो मिनट लगेगा आप देखिए कि क्या आपने यू नो आज प्यार से बात की क्या आपने किसी की हेल्प की क्या आज आप पॉजिटिव थे या नहीं क्या काम अच्छे से हो गए टाइम पे हुए या नहीं और अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप शॉर्ट पड़ गए कहीं पे कुछ चीज़ अच्छी नहीं हुई तो अपने आप को अगेन बोले कि नहीं कल हमको बेटर करना है कल हम ज़्यादा प्यार से बोलेंगे कल हम ज़्यादा मीठा बोलेंगे कल हम ज़्यादा हेल्प करेंगे तो इससे क्या होता है नेक्स्ट डे आपकी वाइब्रेशन में आप नोटिस करूँ कि जो रात को अपने आप को ये थॉट्स थी कि कल हम बेटर करेंगे सुबह सुबह ही ना ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें आपके जहन में लगेंगी आप पाएंगे उसको और सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को चीज़ों की ओर ज़्यादा ढकेलना शुरू कर देगा तो एक रिव्यू करना अपने दिन का और ऐसा नहीं कि आप अपने आप से बोला रहे ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया मैंने सही नहीं किया अच्छे से रिलैक्स तरीके से देखिए अपने आप से पूछिए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ शायद मैं इस इस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे सकता था नहीं दिया कल मैं ज़रूर दूंगा और आई थिंक एक टू डू लिस्ट बनाना जो भी अपने गोल्स को पाना चाहते हैं जो भी नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं आपकी गोल्स आपकी एक्शन स्टेप्स जो भी आपको करना है दिन में लिखना होना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गोल्स पाते हैं एक्चुअली और उनमें से भी बहुत कम है जो आसानी से पाते हैं यानी उनको स्ट्रगल तो होता है लेकिन वो दब दबा के आगे नहीं जाते वो एम्पावर्ड फील होकर जाते हैं हमको तो करना है ऐसे वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट बनाई है लिस्ट बनाइए लिस्ट को देखिए रोज़ टिक करते जाइए जो जो हो चुके इससे एक फ़ील गुड फैक्टर आता है कि मैं कर सकता हूँ नेक्स्ट डे भी आपकी कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगी एक और चीज़ आप जो कर रहे हो दिन में बिज़ी हो ठीक है आपको बहुत सारा काम है ठीक है थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए चाहे कुछ अच्छा सुन लिया या वॉक के लिए चले गए या किसी से अच्छे से बात कर लिया आजकल तो क्या हम इतने बिजी हैं कि हम आपस में भी हमें ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो गोल्स के पीछे भागना अच्छी बात है परस्यू कीजिए लेकिन अपने परिवार को थोड़ा माइंडफुल रहना दिन में कि आप घर पे आते हैं घर पे रहिए इनफैक्ट एक बहुत अच्छी टिप मैंने एक बहुत पहले एक बुक से उठाई थी कि आप जिसके भी सामने बैठे हैं ये समझ लीजिए वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है और अगर हम घर से चालू करना शुरू कर दें तो फिर बहुत फर्क पड़ जाएगा वेरी पावरफुल लेसन तो आई थिंक माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right. ये बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिकल टिप्स आपने दे दी जो कर सकते हैं हम hmm. स्पेशली ये रात वाली चीज़ भी आपने अकाउंटेबिलिटी hmm. ले लो पूरा दिन में क्या हुआ फीडबैक दे दो अपने आप को विदाउट बीइंग टू हार्श और आपने कहीं कही ना कहीं प्राइम भी कर डाला अपने आप को कल क्या करना है अगर टू डू लिस्ट बना लिया सोच लिया और मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस किया कई बार अगर रात में मुझे कल सुबह उठ के क्या करना है मैंने एक बार अच्छे से सोच लिया थोड़ा सा विजुलाइज़ कर लिया मतलब विजुलाइज कर कुछ बहुत टेक्निक भी नहीं सिर्फ ऐसा सोच लिया कि हाँ सुबह उठना जिम जाना ये करना है, वो करना थोड़ा भी ये कर लेंगे तो भी ना आसान हो जाता सुबह मैंने नेक्स्ट सुबह उठ के वो करना बट अगर आपने रात सिर्फ मोबाइल यूज़ किया एकदम नींद निंदागी सो गए तो बहुत कम्पेरेटिवली मुश्किल हो जाता है सुबह उठ के जिम जाना मैंने ऐसा नोटिस किया कई बार होता है जी, जी. तो स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो जब तक आपकी हैबिट नहीं बनी हो तो वो टाइम पर ये सारी चीज़ें की जा सकती है बहुत पावरफुल होगी कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं कुछ कॉमन मेंटल आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया इतने सालों से आप ट्रेन कर रहे हो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ब्लॉकेजेस दैट यू हैव सीन जो लोगों को अटका के रखती है कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं और उनको हटाने के लिए कुछ एक प्रैक्टिकल टिप भी आई थिंक एक तो सेल्फ डाउट जो भी करते हैं उनके अंदर से एक आता है तुम नहीं कर सकते ये नहीं होगा तो वो सेल्फ डाउट को हटाना है उसके लिए अपने आप को रोज़ एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्यों डिजर्व करता हूँ देखिए आप जब क्वेश्चन पूछेंगे ना कई बार ब्लैंक हो जाते हैं लोग उन्हें लगता है मैं, मैं सच में डिजर्व नहीं कर रहा हूँ शायद कुछ नहीं आ रहा है आंसर्स तो जैसे जैसे आप इस आंसर को ज़्यादा डिग करेंगे डीपली डिग करेंगे आप नोटिस करोगे कि आपको ऐसे ऐसे आंसर्स आ रहे हैं जिससे आपको लगता है कि ये तो मेरा हक है सक्सेस मेरा हक है क्यों क्यों मैं फील कर रहा हूँ कि मैं मैंवर्दी नहीं हूँ तब उनको याद आएगा कि शायद पास्ट में किसी ने मुझे कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे कि ये तुमसे नहीं होगा तुम इतने तुम्हारा एजुकेशन उतना नहीं है तुम इतने स्मार्ट नहीं हो और यू नो तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो तो ये अपने आप को अगर वो थॉट दें कि क्यों मैं डिज़र्व करता हूँ इससे उनकी सेल्फ़ बिलीफ बढ़ेगी क्योंकि कुछ दिनों में ही ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स आने लगेंगे आप क्या पूछ रहे हो वाई आई एम डिजर्विंग ये नहीं पूछ रहे हो क्या मैं डिज़र्विंग हूँ वाई आई एम डिजर्विंग इंटरेस्टिंग सी चीज़ है अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन पूछते हो तो वो ऑब्लिगेटेड है आपको आंसर देने के लिए वो देगा ही तो इस क्वेश्चन के साथ जरूर बैठे बिकॉज सेल्फ डाउट जो है वो बहुत बड़ी मेंटल ब्लॉकेज है और दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली देखी जाती है कि लोग खुद से ही प्यार नहीं करते हैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करते चाहे उनकी बॉडी होगी जिस तरह से वो दिखते हैं जिस तरह से यू you नो know, उन्होंने अपने जीवन को अब तक जिया है उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ और सेल्फ लव बेसिकली मैं लव के लायक नहीं हूँ तो अगर सेल्फ लव की कमी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट तो हमेशा रह गई तो सेल्फ लव यानी अपने आप को जिस तरह से आप देखते हैं वीक तरीके से ना देखना आप एक एम्पावर्ड वे में अपने आप को देखिए कि हाँ क्यों नहीं इसके लायक मैं भी हूँ तो सेल्फ लव अगर लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सेप्टेंस होगी चीज़ों की और सेल्फ़ लव को प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका है कि आप जब अपने आप के साथ बैठते हैं ना आप अपने बॉडी के अंदर जाइए अपने बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स कीजिए और अपने इमेज को अपने माइंड में लाइए और नोटिस कीजिए आपको अपने लिए क्या थॉट्स आ रहे हैं और जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में रिवर्स कर दीजिए और एक चीज़ अपने आप को बोलिए कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने लाइफ में आपने जो मिस्टेक्स किए हैं क्योंकि मिस्टेक्स में गिल्ट होती है गिल्ट से सेल्फ लव नीचे आ जाता है आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं नहीं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि आपने मिस्टेक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए थी तो ये थी कि थॉट प्रोसेस ना ये आपकी क्लेंजिंग हो रही है जब अपने आप के साथ बैठे हैं तो इस तरह से सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं जब अपने आप को रियलाइज़ कराएं कि मेरे लिए ये नेगेटिव इमोशन अपने आप के बारे में सोचते हुए नेगेटिव इमोशन को अक्नोलेज कीजिए एक पॉजिटिव थाट दीजिए कि ठीक है मिस्टेक होगी लेकिन आज अभी भी जिंदा हूँ कितना कुछ कर सकता हूँ क्यों ना आज मैं अपने लाइफ को करेक्ट करने की कोशिश करूँ अगर किसी के साथ मेरे वजह से बुरा हुआ है आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ब्लेस कीजिए ये देखिए हमारे शास्त्र भी बताते हैं आप जिनको ब्लेस करते हैं वो उनकी एनर्जी ऊपर जाती है और आपकी एनर्जी भी ऊपर जाती है तो अपने आप को भी ब्लेस करो यू गिव अ ब्लेसिंग टू योर सेल्फ क्योंकि जितना आप अपने आप को ब्लेस करते हैं ना एक फीलिंग आती है कि मुझे बहुत कुछ है देने के लिए अपने आप को ब्लेस जो वही करता है जिसके अंदर कुछ है तो अपने आप को भी ब्लेस कीजिए और ऑफ कोर्स ये जो आई लव यू की स्टेटमेंट है कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ अप्रिशिएट करती हूँ रिस्पेक्ट करती हूँ इसको आप दिन में कई बार अपने आप को दीजिए क्योंकि देखिए कोई भी गोल अचीव करना है सेल्फ लव अगर नीचे है तो कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा hmm. और इससे आप एक्शन नहीं लोगे जो आपको एक्शन लेनी चाहिए लाइफ में आप वो एक्शन नहीं ले पाओगे right. मैंने नोटिस किया मैक्सिमम चीज़ों में अगर मुझे रिजल्ट्स मिले वो तभी मिले जब मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया हूँ अपने ऊपर कि हाँ मैं कर लूँगा मुझे हंड्रेड परसेंट यकीन नहीं था कि हाँ मैं जीत जाऊँगा बट मैं कर लूँगा वो एक कॉन्फिडेंस रहता है तो आप एक्ट करते हो और एक्शन पर ही सारे रिजल्ट मिलते हैं जब लेकिन जब तक हम सेल्फ डाउट करते रहते हैं जब तक तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है और कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ होता ही नहीं एक्शन ही नहीं ले रहे तो रिज़ल्ट क्या ही मिलेंगे और जहाँ पर फिर कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो आप थोड़ा बहुत एक्शन लोगे थोड़ा भी रिजल्ट नहीं मिला तो आप बोले ये सब बकवास है छोड़ नहीं करना है तो हम डरते भी बहुत है फिर इनफैक्ट सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो कि इन सब के ऊपर है और शायद जो सबसे बड़ा सोल्यूशन भी है विश्वास बिलीफ की पावर है सब कुछ कर सकता है वही पावर मेरे अंदर है और मैंने ये देखा है कि फेथ डेवलप करने के एक्चुअली दो तरीके हैं मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस इतना समझा है अब तक कि या तो एक आप अपने आप के साथ साइलेंस में बैठो तब आप कनेक्ट हो जाते हैं तब आपको एक एक्सपीरियंस होती है जैसे लोग कहते हैं आई गॉट अ डिवाइन एक्सपीरियंस तो एक फीलिंग सी है वो फीलिंग आ जाती है उसमें एक ऐसा फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ तो कर सकूँगा एक कनेक्शन बनता है यूनिवर्स के साथ दूसरा तरीका है बुक्स पढ़िए आजकल बुक्स हैं जो एनर्जी के बारे में समझाते हैं हुँ. वाइब्रेशन के बारे में समझाते हैं आपके अंदर की पावर के बारे में समझाते हैं लोगों ने जिनको जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने बुक्स लिखे हैं उन्होंने आर्टिकल्स लिखे ये इन्फॉर्मेशन पढ़िए ये दो ही तरीके हैं जिनसे आपकी फेथ बढ़ेगी आपका फेथ बढ़ेगा तो जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज थी कि अविश्वास कि ये तो हो ही नहीं पाएगा क्या मैं बोलूं मैं इतना 3X कमा सकूंगे, तो ही नहीं, नहीं वाला है hmm. मैं तो अकेला हूँ कहां मुझे वो क्यों आ रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि आपके साथ अच्छा होगा exactly. और ये आपने जो बात बोला रिलेट करा मैंने hmm. बुक्स आई थिंक जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया ना मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया और डेविड वॉगि भी बोलते ना आप बहुत सारे तरीके चेंज हो रहे हैं दो तीन तरीके उन्होंने बताए थे तो उसमें से एक सबसे पावरफुल तरीका था टू तो चेंज आर सेल्फ इस थ्रू स्टोरीज और स्टोरीज आपकी खुद की स्टोरी भी आपको बदल सकती है और दूसरों की स्टोरीज भी आपको बदल सकती है इक, सो अभी बुक्स की बात चल रही थी तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे आपकी फेवरेट कोई थ्री बुक आप बता दीजिए और या फिर आप रिकमेंड करना चाहते हो दोनों अलग भी हो सकती है डिपेंडिंग आपको कैसा सही लगता है एक तो गेम ऑफ लाइफ है बहुत सिंपल है उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है कोई भी पढ़ सकता है और बहुत बेनिफिट गेन करेंगे वो मेटाफिजिकल चीज़ों के बारे में समझने की कि कैसे फिवनेस थाट्स आपकी एनर्जी कैसे बदली जा सकती है कैसे आप लेट को कर सकते हैं तो वो एक बुक है दूसरा एज अ मैन थिंक थिंकथ जेम्स एलन की बुक है हुँ, हुँ, वो मैंने पहले पहले एक्चुअली गेम ऑफ लाइफ के बाद उठाई थी अच्छा। तो उसमें भी आप देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन एक्चुअली की गई है माइंड पावर को लेकर वो भी बहुत अच्छी बुक है और उसमें इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझाएंगे कि कैसे ना आपकी विल है इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी माइंड इतना आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बोलते हैं ना मास्टर योर माइंड एंड बिकम अ मास्टर माइंड तो जेम्स एलन बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है hmm. uh, तीसरी बुक एक्चुअली uh, एक कॉम्बिनेशन है एक तो है साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलस वॉटल्स उसमें ऑफकोर्स प्रोस्पेरिटी की बात की है बट एक्चुअली uh, वो किसी भी एरिया में लाइफ में एप्लीकेबल है तो वो बुक जरूर इनफैक्ट वो बुक ने एक्चुअली द सीक्रेट को इंस्पायर किया था आ, ऐसा मैंने सुना है कि एक्चुअली ये बुक ने एक्चुअली सीक्रेट को इंस्पायर किया मूवी को ए, एक और बॉब प्रोक्ट की यू व बॉर्न रिच वो भी बुक है जिसमें वो प्रस्पेरिटी के बारे में तो बात करते हैं लेकिन समझाते हैं सिंपल तरीके से उनकी भी लैंग्वेज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत सिंपल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से नहीं समझाते सिंपल तरीके से कैसे आज, आज आपको कोई भी चीज़ में आगे जाना है तो आपको एक दो तीन चार पाँच ये स्टेप्स करने हैं जैसे कि थाट क्लियर रखो एनर्जी सुधारो लेट गो करो और कहीं ना कहीं अगर आप ग्रैटिट्यूड को जैसे वो समझाते हैं ग्रैटिट्यूड को लाइफ में लेके आते हैं अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया इन चीज़ों को कि कैसे यू नो आप फगीव करके ग्रेटफुल होके आगे बढ़ेंगे इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे जो कि मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ें जो है लोग बहुत फेमिलियर हो जाएंगे इन कॉन्सेप्ट से इन बुक्स से थ्रू वेरी नाइस इनमें से दो बुक तो मैंने गो mm. थ्रू करी है mm. दो बुक नहीं बॉर्न रिच आपने लास्ट बुक mm. बताया ना और mm. फर्स्ट वाले बुक आपका mm. वो आपकी फेवरेट बुक का नाम क्या है गेम ऑफ लाइफ गेम ऑफ लाइफ राइट तो दोनों yes. तो तो की समरी मैं बना दूंगा मैंने बनाया नहीं तो मेरी भी पढ़ना हो जाएगा सीकेंड पर डाल दूंगा ठीक है कोई फाइनल पीस ऑफ मैसेज आप देना चाहोगे कोई प्रैक्टिकल एडवाइस या फिर कोई एक अगर आपको सिर्फ एक एडवाइस देने का मौका मिले व्यूवर्स को तो वो क्या होगा नेवर गिव अप कभी भी गिव अप नहीं करना किसी को भी आपको बताने नहीं दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है मेडिकल रिपोर्ट्स बदलते देखा है लोगों को टूटे रिश्ते बनाते देखा है हेल्थ को तो इम्प्रूव करते हमने देखा ही है साथ ही जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट होता है ना वो भी होते देर नहीं लगती है गिव अप ना करें इनफैक्ट संस्कृत में एक श्लोक भी है मुकुम करोती वाचलम यानी एक गूंगा भी बात करना शुरू कर सकता है पंगम लंगे ते ग्रम एक अंधा भी एक पर्वत को पार कर सकता है यद कृपा तमम वंदे परमानंदा माधवम यानी जब भगवान की ग्रेस होती है यूनिवर्स की पावर आ जाती है और उनके अनुग्रह से तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है इनफैक्ट ये भी बात समझना इंपॉर्टेंट है कि कोई आपसे कहे ना ये आपकी किस्मत में नहीं है किस्मत आपकी माइंड से आती है आपकी पावर से आती है और आपकी उस पावर जो आपके अंदर है उसकी कनेक्शन से आती है इसीलिए कभी भी गिव अप ना करें ये सोचें आज शायद एक कठिन रास्ता है आज शायद फेलियर है बट ये शायद रास्ता है कहीं और बेटर जाने का शायद ये शॉर्टकट है hmm. कठिन है लेकिन एक अच्छा शॉर्टकट है hmm. तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है यूनिवर्सल पावर के आगे तो हमारे नवग्रह भी कुछ नहीं कर सकते आपके प्लैनेट्स भी गलत दिशा में जा रहे हो आप अपनी एनर्जी से अपने पावर के कनेक्शन से सब कुछ ठीक कर सकते हैं इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज सो नेवर गिव अप अपनी अपने आप पे बिलीव रखे और जितने भी हमने पॉडकास्ट में एकदम डेंट एक एक बातें की है, वो सारी चीज़ें आपको ये चीज़ करने में हेल्प करेगी डोंट गिव अप तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा एक बार वापस से देख लेना क्योंकि रेपिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ बातों को बार बार समझते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठती है अभी के लिए इतना ही और हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बातें करी अलग अलग पर्स्पेक्टिव में बातें <coughs> करी थैंक यू सो मच करिश्मा जी अपना टाइम देने के लिए इट अ प्लेजर टू टॉक टू यू और अगर, अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे करिश्मा जी से तो वो भी आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना अभी हमें वापस मौका मिला तो हम वापस से बैठेंगे बातें करेंगे डिटेल में और अच्छे से थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज सारी करिश्मा जी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे डू प्लीज चेकआउट और बस अभी के रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टाइम थैंक यू थैंक यू नमस्ते थैंक यू